Yes, we are live now. Hello friends. This is Imanchi and welcome to Let's Learn. कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे आज का सेशन आज डे फोर है और जितने भी इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट हैं जो आपके लगभग हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिल सकते हैं सी टेट में या टीचिंग एग्जाम्स में और इंपॉर्टेंट है अगर देखें तो तो एन है आपका एन ईपी है बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में एन ईपी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके बाद सी है इंक्लूसिव एजुकेशन है आर है एनसीएफ 2005 है तो ये चार पांच डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए एज अ टीचर भी और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी इनसे आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं तो गुड इवनिंग भाई आ जाओ पहले ज्वाइन कर लो कल आपकी छुट्टी रही और आज हम मिलेंगे डे फोर्थ है ये मैराथन का महा मैराथन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई दिन से चल रही है लगभग

<laughs> देखेगा इससे इस से पहले एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन इस संडे यानी परसों ग्यारह को ग्यारह दिसंबर आपका एक ऑफलाइन सेशन है जो कि फ्री है इसमें एंट्री फ्री है और ऐसी बहुत सारी चीजें हमने टीचिंग एग्जाम्स में की है जो बाकी लोगों ने भर भर के फॉलो की है कॉपी कर लीजिए आप बट हाउ डज इट मैटर इसको हाउसिव नहीं मानते इसको पॉजिटिव मानते हैं अगर कोई कोई इंस्पायर होकर अच्छा काम करे तो अच्छी बात है अभी फ्री ऑफलाइन क्लासेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं लोग कर रहे हैं मीटअप्स की शुरुआत हमने की अगर हम कहें तो जो टीचिंग एग्जाम्स की अगर बात कर रहे हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हमने की हैं और ये खुशी की भी बात है इसमें कोई दुख की बात नहीं है चाहे वो मैराथन सेशंस की शुरुआत रही हो दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने की हैं और फिर बाद में सभी ने उनको उनको अपनाया है तो ये अच्छी बात है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग लोगों को काम आती है और आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद होती है खैर स्टार्ट करते हैं समझते हैं क्या कहानी है ये आपका एड्रेस है नियर करियरविल टावर नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन जी नगर जी नगर के बाद मॉडल टाउन उसके बाद आपका आदर्श नगर ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ आप मिलेंगे परसों एक बजे से मेरा सेशन आपके साथ होगा एक से चार तक पांच तक जितनी भी देर जाएगा अगर आपके केवीएस से लगे किसी का कोई भी डाउट है आपको लगता है कि मन है बैठ करके डिस्कशन करने का आमने सामने ये फ्री है सेशन कहीं तो भी एक रुपया दे मत दीजिएगा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है और मजे से पढ़ेंगे ईवीएस के नोट्स जितने लोग मांग रहे हैं मंडे मिल पाएंगे हमारे टाइपिस जी आउट ऑफ स्टेशन है और बट मंडे मिल जाएंगे आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स ईवीएस के ऑलरेडी दिए हुए हैं हालांकि वो थोड़े से इंप्रूव्ड वर्जन में मिल जाएंगे आपको लेकिन अभी जिनका वेस्ट बंगाल टेट है ग्यारह को इतने वो इंग्लिश वाले नोट्स पढ़ लीजिएगा और मैथ्स पेडोलॉजी भी इन बिटवीन है अभी तो डब्ल्यू बी टेट वालों के लिए तो नहीं बट सी टेट के एग्जाम से पहले वो मिल जाएगी चलिए फिर कहानी शुरू करें आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं अगर बहुत बढ़िया लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहेगा जैसे जैसे आप आए टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ ये जो नोट्स हैं जैसे सीडीपी के नोट्स हैं हिंदी पेडागोजी के नोट्स हैं इंग्लिश पैडागोलॉजी के नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी दिया है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स एकदम फ्री नोट्स हैं इनको पढ़िए जो आपके ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाले नोट्स हैं वो हैं कुछ सैंतालीस पेज के आसपास हिंदी और इंग्लिश के छब्बीस पेज तीस पेज ऐसे ऐसे नोट हैं तो उनको आप पढ़िए आज हम सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि ये नया डॉक्यूमेंट है तो इसको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है और इसको पढ़ने से पहले एक बार ये ब्लूम चचा को देखना जरूरी है है ना बी फॉर ब्लूम तो ब्लूम कह रहे हैं कि तीन चीजें इन्होंने महत्वपूर्ण बताई थी जो यहां पर भी महत्वपूर्ण ही रहेंगी कोई बात नहीं ज्वाइन कर लीजिए आराम से तभी शुरू करेंगे ठीक है जी कोई बात नहीं लिखने वाली एक्सप्रेंट हो जाएगा आपका घबराओ नहीं आपने घबराना नहीं है ठीक है कोई दिक्कत परेशानी बहुत बढ़िया आपकी नई लर्नर हूं प्रियंका कह रही हैं चलिए कहानी शुरू करें अगर हम कहें तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है कैप से आपको याद रखना है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कह रही है कि जो आप 360 डिग्री असेसमेंट की बात कर रहे हो तीन सौ साठ डिग्री होलिस्टिक यानी सर्वांगीण आकलन की बात कर रहे हो उसमें जो आपका आकलन है जो लर्निंग है उसमें सीएपी कैप मॉडल फॉलो होना चाहिए इसका क्या मतलब है आप बच्चे के संज्ञान हेड जिसकी बात और महात्मा गांधी भी कर रहे थे यानी बच्चे के संज्ञान उसकी उसकी थिंकिंग स्किल्स जो भी ब्रेन पावर्स हैं अटेंशन मेमोरी परसेप्शन डिसीजन मेकिंग थिंकिंग रीजनिंग जितनी भी चीजें जो दिमाग से होती हैं बच्चों को ऐसे पढ़ाई कि उसके दिमाग में भी चीजें सेट हों दिमाग से भी चीजें वो यूज कर पाए सोच पाए समझ पाए उसके हार्ट यानी इमोशंस अफेक्टिव डोमेन ए फॉर

अफेक्टिव यानी एटीट्यूड या कॉग्निटिव यानी मेंटल स्किल्स अगर पूछा जाए बिहेवियर का डूइंग पक्ष किससे संबंधित है तो आपको पता है साइकोमोटर और अगर हम पूछें फीलिंग पक्ष किससे संबंधित है आपको पता है अफेक्टिव और कॉग्निटिव जो है वो आपका थिंकिंग पक्ष से जुड़ा हुआ है तो इन तीनों से तीन इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं बाकी हम इसके रिगार्ड में जो छह लेवल्स हैं कॉग्नेटिव आस्पेक्ट में वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये एनपी में भी एक महत्वपूर्ण चीज बन जाता है तो इसको डिस्कस करना जरूरी है ठीक है कोई दिक्कत परेशानी माही कह रही है मार्च में बैच ली थी पेडागॉजी स्पेशल में डिस्काउंट मिलेगा बिल्कुल मिलेगा अगर आप करियर विल पे कोई भी बैच ले रहे हैं और आप करियर विल के पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको नए बैचेस में डिस्काउंट फॉर श्योर मिलेगा इससे मुझे याद आया केवीएस का एक बैच आया हुआ है और जिनको सिर्फ पैडोगॉजी पढ़नी है पैडोगॉजी स्पेशल एक बैच आया हुआ है केवीएस के, के लिए सिर्फ पैडोलॉजी का बैच है बिल्कुल फ्लैट डिस्काउंट पे 800 है और वो चलेगा 60 मार्क्स 40 मार्क्स जो भी केवीएस में पैडोलॉजी पूछी जा रही है वो सारी हम वहां करेंगे और जो कंप्लीट बैच है जिसमें बाकी के 10 टीचर्स हैं वो ये आपके सामने है तो एडमिशन अभी ओपन है आप देख करके डेमो लेक्चर्स और अभी डेमो लेक्चर्स आपको ये हाँ यूट्यूब पर भी एक, एक क्लास मिल जाएगी आप पूरे जहां पर भी आप देखना चाहते हैं आसपास जितने भी टीचर्स हैं सबको देख लीजिए आपको पता लगेगा जब आप डेमो भी लेंगे या वैसे भी अगर किसी से आसपास फीडबैक लेंगे किसी ने पढ़ा होगा के टीचर्स जो हैं वो टीचर्स हैं वो बेस्ट टीचर्स जो भी अभी ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह सालों से तो मई उन्नीस को तो इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है डॉक्टर ने इसको बनाया एमएचआरडी का नाम बदल करके जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसको शिक्षा मंत्रालय रीनेम कर दिया गया यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम हो गया ठीक है बातें हैं पहले शिक्षा मंत्रालय होता था फिर एमएचआरडी किया था फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है इसमें एक नया फॉर्मेट फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर पहले क्या होता था टेन प्लस टू प्लस थ्री यानी दसवीं दस साल फिर दो साल आपका ग्यारहवीं बारहवीं सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दसवीं था और आपका ग्रेजुएशन जो है वो तीन साल ये था पैटर्न अभी क्या क्या है, से एक ट्रिक है इसकी, से आपको ये याद रहेगा, बस पांच सौ चौतीस में करना क्या है तीन का स्क्वायर कर देना यानी तीन जो है वो दो बार है ना पहले पांच साल शुरुआत के फाउंडेशनल पीरियड है आपका बिल्कुल जहां पे बुनियाद बनाई जाएगी फिर आपका तीन साल प्रेपोरेटरी फिर आपका मीडियम और इसका कुछ तो इन्होंने नाम रखा हुआ है और फिर उसके बाद आपका तीन साल आपके और फोर है आपका सेकेंडरी तो ये है कुछ फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर का मॉडल जो एनईपी ने इंट्रोड्यूस किया है पांच सौ चौतीस से याद रखना है स्क्वायर लगा देना यानी दो बार तीन है यहाँ पे ये मिडल ही बोला है इसको चलिए ठीक है तो अगर हम बात करें तो ये है पांच साल की जो एजुकेशन है तीन से आठ वर्ष तक पहले क्या होता था छठी से मतलब छठी बोल रही हूँ छे साल से सिक्स से फर्स्ट क्लास में बच्चा एडमिशन लेगा और तब से हम काउंट करते थे यहाँ पर क्या है अभी ये कहा गया है कि जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनको तीन साल से ही जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उन्हीं को इंक्लूड कर लो सीधा तो शुरुआत के पांच साल यानी तीन साल से आठ साल की उम्र जो है फाउंडेशनल पीरियड मूलभूत चरण या बेसिक लिटरेसी सिखाई जाएगी खेलने कूदने में रहेंगे बेसिकली फिर तीन साल है आपके आठ से ग्यारह वर्ष का बच्चा प्रेपरेटरी स्टेज में है चौदह से अठारह वर्ष सेकेंडरी स्टेज आ जाती है, जिसमें आप बच्चा जो है सवन, फिर और इसमें भी सिक्स ग्रेड से ही बच्चे को हम कोडिंग वोकेशनल एजुकेशन दुनिया भर की चीजें कराने की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे चार चरण है पांच साल जिसको फाउंडेशनल पीरियड कह रहे हैं कि बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स आ जाए उसमें बेसिक खेलना कूदना थोड़ा डेवलपमेंट उसका हो जाए फिर आठ से ग्यारह वर्ष की अवस्था है न्यूमरेसी स्किल्स आ जाए फिर आठ से ग्यारह में आपका प्राइमरी एजुकेशन वो लेना शुरू कर दे फिर ग्यारह से चौदह है मिडिल स्टेज फिर सेकेंडरी स्टेज आ जाती है एफ पी एम एस इसको हम मान के चल रहे हैं इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है मैं करा चुकी हूँ इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे दो वीडियो तीन है बट दो तो प्रॉपर जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से भी कराई है इस बार खूब क्वेश्चन आए अलग अलग सब्जेक्ट में भी अगर हम एनईपी की बात करें पोल दे देंगी मैडम अगर नींद आई हो तो प्लीज तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने कौन से पैटर्न में बदलाव लाया है यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो आपको पांच वाली वो ट्रिक याद रखनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो तीन का स्क्वायर कर देना है ठीक तो इसमें आंसर क्या सही होगा फटाफट से आप कमेंट करके बताएंगे इतने में ये लिख देती हूँ ताकि आपको बार बार यह चीज याद रहे भाई फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर एफ पी एम एस फाउंडेशनल पीरियड पांच साल का प्रेपोरेटरी स्टेज तीन साल की मिडल स्टेज तीन साल की और सेकेंडरी स्टेज चार साल की ठीक है ये चारों के नाम एफ पी एम एस के थ्रू ही याद रखने हैं ए ऑप्शन एकदम सही है आप लोग कह रहे हैं इसको अपनी मर्जी से चार को दो प्लस दो ये मैथ्स नहीं चल रहा कि हम अपनी मर्जी से लिख दें है ना पांच को दो प्लस तीन लिख दें ऐसा नहीं चलेगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, जब तक ये ऑप्शन में है तब तक कोई और ऑप्शन हमें चूज करने की आवश्यकता नहीं है नाइनटी लोग आंसर सही दे रहे हैं मतलब इसमें भी लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं आंसर में मतलब इसमें भी चार लोग हैं जिनको सही उत्तर देने में समस्या हुई तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अब आप सो सकती हैं फिर से देखिएगा तो ये पुराने जमाने की बात है एक समय पे क्या होता था एजुकेशन ऐसे वर्क करती थी दस साल प्लस दो साल यानी छह साल की उम्र में पहली क्लास में बच्चा जाता था मतलब अभी भी यही है बट अब चेंजेस आ जाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से दस साल की उम्र में मतलब दस साल की एजुकेशन है छह साल की उम्र में बच्चा कक्षा एक में जाएगा और अगर हम बात कर रहे हैं सोलह साल तक दसवीं उसकी हो जाएगी फिर उसके बाद दो साल थे दो साल कौन से हैं ये ग्यारहवीं और बारहवीं के सोलह से अठारह वर्ष इसको परिवर्तन जो न्यू उसमे परि टेन नहीं चलेट्रक्से चल तो बन जाएगा एफ पी एम एस आप देख पा रहे हैं तीन साल शुरुआत के आंगनबाड़ी वाला टाइम फिर दो साल जो है आपके छह से आठ वर्ष यानी क्लास वन और टू यानी पांच साल जो है शुरुआत के इनको दो तरीके से तोड़ा हुआ है तीन साल है आंगनबाड़ी के दो साल है फिर आपके बेसिक क्लास वन और टू के ठीक है फाउंडेशनल पीरियड में मल्टी लेवल एजुकेशन प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी प्रेपरेटरी स्टेज में जाकर के बच्चा थोड़ा एक्टिविटी के थ्रू स्किल्स वगैरह डेवलप करेगा न्यूम्रेस स्किल्स एंड ऑल फिर मिडल स्टेज में तो साइंस मैथमेटिक्स आर्ट्स वगैरह पढ़ेगा सिक्स क्लास में और सेकेंडरी स्टेज में अगेन क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल पे बहुत ज्यादा जोर दिया है इन्होंने और ये एक बार आप देख पाएंगे चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं ठीक अगर इसको हम ऐसे देखना चाहें कि जो हमने शुरुआत के पांच साल लगाए हैं उन पांच साल में तीन साल आंगनबाड़ी के हैं या प्ले वे के हैं फिर दो साल कक्षा एक और दो के हैं तो इसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी होगी फिर जो उसके बाद के तीन साल हैं उसमें बच्चा डिस्कवरी मेथड एंड ऑल का इंटरेक्ट करके न्यूमरेसी स्किल्स वगैरह आप सिखाएंगे फिर आएंगे इस पर मेडल स्कूल पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस किया है यानी अनुभवात्मक अधिगम पर फोकस किया बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम दे पाए सेकेंडरी स्टेज में जो वो मल्टी सब्जेक्ट्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज को अलग अलग बांटने की जगह पूल ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें से चूज़ मतलब आकलन की बच्चा सीख कैसे रहा है इसका पता करने के लिए इन्होंने एक तरह की असेसमेंट पॉलिसी की बात की वो है थ्री डिग्री असेसमेंट यानी तीन डिग्री असेसमेंट यानी बच्चे को चहुमुखी रूप से चारों तरफ से असेस करना है आकलन करना है यानी बच्चा खुद का भी आकलन करे सेल्फ असेसमेंट यानी यानी आकलन वो अगर कोई काम आपने उससे कराया और आप उससे पूछे बेटा तुम खुद को कितना नंबर देते हो वो कहेगा मैं दस में से आठ दूंगा अगर ईमानदारी से बताऊं यानी वो खुद का ही आकलन कर पाए या कोई काम वो करके लाया और उसको बोले एक बार तुम देखो इसको कि तुम्हें क्या लगता है इसमें कहा इंप्रूवमेंट की जरूरत है ये हुआ सेल्फ असेसमेंट कि बच्चा खुद का आकलन खुद कर सके तो एक पार्ट तो इसमें ये हुआ दूसरा 360 डिग्री असेसमेंट में क्या है पीयर असेसमेंट पीयर मतलब सहपाठी आकलन यानी जो बच्चे के दोस्त हैं क्लासमेट्स हैं वो भी उसका आकलन कर पाए आप कहें एक दूसरे को अच्छा बेटा अपनी नोटबुक ए बच्चा अपनी नोटबुक बी बच्चे को दे और बी बच्चा ए बच्चे की नोटबुक चेक करे अब क्या होगा एक दूसरे का आकलन करेंगे तो उनकी जो असेस करने की क्षमता है वो भी बेहतर होगी फीडबैक दे पाएंगे और तीसरा पार्ट है इसमें टीचर असेसमेंट यानी शिक्षक आकलन तो शिक्षक क्या है इसमें वो आकलन करेंगे कि आप कहां सुधार की आवश्यकता है क्या फीडबैक दिया जा सकता है तो 360 डिग्री का मतलब है होलिस्टिक यानी सर्वांगीण रूप में आकलन ऐसा नहीं है पेन पेपर टेस्ट लिया और बस नंबर दे दिए बात खत्म इसमें बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं बच्चा स्वयं का आकलन कर रहा है टीचर भी उसमें इन्वॉल्व है तो बच्चे और टीचर दोनों का रोल होना चाहिए तब जाकर के शिक्षा कंप्लीट हो पाएगी चाहे वो एजुकेशन हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो या आकलन की प्रोसेस हो ठीक है कि हम टेस्ट भी अगर कर रहे हैं So, उसमें भी टीचर का भी रोल है बच्चे का भी रोल है पीयर असेसमेंट का भी रोल है हर किसी को एक तरह से ग्रेड की तरह हम काउंट करेंगे इन्होंने असेसमेंट में रिफॉर्म लाने के लिए एक चीज की उसका नाम है परख नाम का एक पूरा प्रोसेस डेवलप किया परख में पी ए आर ए के एच अपने आप में हर किसी का एक मीनिंग है पी फॉर परफॉर्मेंस ए फॉर असेसमेंट आर फॉर रिव्यू ए फॉर एनालिसिस के फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डिवेलपमेंट तो ये हमें ध्यान रखना है ये जो परख बॉडी बनाई गई एक तरह से में। और इसमें बात हुई कि बच्चों को 21वीं शताब्दी के जो कौशल है ये सब जरूरी चीजें हैं आज की डेट में क्योंकि इन्फॉर्मेशन का युग है आप ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी बताया और मान लिया आपको उसकी समालोचनात्मक चिंतन उसका करना पड़ेगा डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा कोऑपरेशन एंड ऑल ये सारी चीजें इक्कीसवीं सदी के कौशलों में आती है अभी पढ़ेंगे कि इक्कीसवीं सदी के कौशल होते क्या हैं ठीक है अगर हम बात करें परख की तो आपको पता है इसमें कितने तो इस आकलन करेंगे फेल हुए तो क्यों हुए कहीं प्रॉब्लम है तो क्या है फिर नॉलेज को टेस्ट करेंगे किस चीज के लिए फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एच फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट तो एक बार खुद से आंख बंद करके ये, बोल करके देखिए पी ए आर ए के एच ठीक एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं यहां क्योंकि पेपर में दिमाग में चीजें टिकनी चाहिए इस बार एग्जाम वैसे भी कॉन्सेप्टुअल है पी ए मतलब ज्यादा कॉन्सेप्टुअल है पहले से परख ठीक है तो पी फॉर परफॉर्मेंस ए फॉर क्या होगा बताओ फटाफट से असेसमेंट आर फॉर रिव्यू ए फॉर एनालिसिस के फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ये हुआ परख का फुल फॉर्म पता होना चाहिए चाहे आप प्लस में बैठने जाएं केवीएस में बैठने जाएं किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं ये चीजें पढ़ के ही जानी है ऐसे कॉन्सेप्ट हैं चाहे वो एनईपी हो ईपी हो इंक्लूसिव एजुकेशन हो सीसी हो एनसीएफ हो ये सब पढ़ने हैं। अगेन ये बात मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है यानी बच्चे का जो रिजल्ट बने जो कार्ड बने वो रिजल्ट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहलाएगा यानी 360 डिग्री असेसमेंट उसमें हुआ है यानी सर्वांगीण रूप से बढ़ते क्रम में प्रगतिशील एक कार्ड बनेगा जिसमें सीएपी कैप यानी कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का ध्यान रखा जाएगा बच्चे के संज्ञान उसके इमोशंस उसके साइकोमोटर एबिलिटीज यानी वो स्पोर्ट्स में अच्छा है कि नहीं साइकोमोटर में आ गया वो इमोशनली किन चीजों में क्रिएटिविटी से लेकर के और किन चीजों में कोऑपरेशन लीडरशिप स्किल किन चीजों में अच्छा है स्किल्स की बात करें कि इन सब्जेक्ट्स में अच्छा है तो लगभग हर एक आस्पेक्ट में हम उसको ग्रेड कर रहे हैं या फिर उसके लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं तो संज्ञानात्मक सांवेगिक और गत्यात्मक पक्ष पक्षनेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को ध्यान में रख के एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी तब जाकर के हम 360 डिग्री असेसमेंट को अचीव कर पाएंगे बात सही है या नहीं है बिल्कुल सही है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर क्या कहता है ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स तो मेजर जो ट्वेल्व स्किल्स हैं जिनको हम काउंट करते हैं सीबीएसई दृष्टि से और वैसे तो सैकड़ों स्किल्स आपको मिल जाएंगी अगर आप जाएंगे देखने ठीक है ना चलिए समझते हैं फटाफट से और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आप भूल गए हैं तो आप कर सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये ऐसी चीजें हैं जितनी बार आप पढ़ेंगे ये हम कई बार कर भी चुके हैं लेकिन जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार बेहतर यह इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला ठीक है कितने लोग अभी हम जुड़े हुए हैं तेईस हजार लोग लाइक किया है सिर्फ दस हजार लोगों ने चलिए कोई बात नहीं तो ये क्रिटिकल स्किल्स हैं जो ट्वेल्व क्रिटिकल स्किल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं अब ये महत्वपूर्ण क्यों हैं कैसे हैं क्या कहानी है उस पर हम अभी आएंगे चले ये बारह स्किल्स हैं ट्वेल्व कौशल हैं ये आपके जो महत्वपूर्ण है भयंकर रूप से ठीक है बात या नहीं है देखिए अगर हम बात करें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम पूर्णिया बिहार में सेट लगाता हूं आप पे तो पे तो तो ऐप और हिंदी का क्वेश्चन बनता नहीं है अरुण सर को बोलिए कि अब क्वेश्चन कराएं मुझे 130 प्लस लाना है गरीब क्या नाम है आपका गरीब ना नवाज तो नवाज इसमें बिल्कुल आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए बोल देंगे कोई बात नहीं देखिएगा ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स प्रीवियस ईयर को ध्यान में एनालाइज करते रहना है इस बार क्वेश्चन थोड़े से हटके थे हिंदी में और एस uh, एस टी का तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा तो इक्कीसवीं सदी के सदी के जो कौशल हैं जिनमें से हम बारह कौशल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन हम एक बात के लगभग हर पहलू को जांच पाए बस मान ना ले किसी ने कहा दो हजार के नोट में चिप है हमने मान ली कोई और अफवाह उड़ी फलानी वैकेंसी तब आ रही है हमने मान लिया अब वो आई दो साल बाद लेकिन हम तो मान के बैठे हुए हैं उस हिसाब से हमने डिसीजन ले लिए अगर कोई वेबसाइट है लेट्स लर्न के नाम से कोर्स बेच रही है जाके खरीद लिया आंख बंद करके ये भी नहीं देखा कि वेरीफाइड है नहीं है जो चैनल है इतने सारे अगर कोई इंफॉर्मेशन टेढ़ी मेढ़ी दे रहा है तो वो ऑथेंटिक चीज है कि नहीं है मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग हम नहीं कर पाते लेकिन बच्चों में हमें ये चीज डेवलप करनी है कि हम लगभग हर पक्ष में ऑल आस्पेक्ट में चीजों को देख पाए फैक्ट और ओपिनियन के बीच अंतर को जान पाए यह है क्रिटिकल थिंकिंग यानी आप जितनी भी आपकी कॉग्नेटिव स्किल्स है उनका प्रयोग करके हर एक पक्ष में चीजों को समझ पाए रिफ्लेक्ट कर पाए कंट्रोल कर पाए मैनेज कर पाए अवेयर हो डेटा हो आपके पास उसके आधार पर फैक्ट्स को आप जान पाए और एनालाइज कर पाए कोलैबरेशन यानी सहयोग के माध्यम से सीख पाए एक दूसरे के साथ बच्चे ग्रुप लर्निंग करें क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में होते हैं तो बेहतर सीखते हैं सहयोग करके बेहतर सीखते हैं टीम स्किल्स जो है डेवलप होती है उनकी लीडरशिप स्किल्स उनकी डेवलप होती है स्पोर्ट्स मैनशिप या स्पोर्ट्स पर्सन की जो एबिलिटी है वो उनके अंदर डेवलप होती है टॉलरेंस आती है जब ग्रुप में काम करते हैं एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी आज की डेट में जो बेसिक जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका प्रयोग करके हम लिटरेट हो पाए इंफॉर्मेशन के संबंध में टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी भाई इतनी बेसिक टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी आनी चाहिए डिजिटल लिटरेसी भी इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर चलाना है कुछ और ऐसे काम है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो सब कर पाए इनिशिएटिव लेना हर किसी के बस का नहीं होता इनिशिएट करना चीजों को कुछ नया शुरुआत करना अगर आप अरे Eric करेक्शन की थियोरी में देखेंगे तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की एक स्टेज आती है तो बच्चा इनिशिएट करे इस चीज के लिए हम उसको बढ़ावा दें गिल्ट ना है उसमें सोशल स्किल्स बच्चे की डेवलप हो कि कैसे ग्रुप में काम करना है कैसे समाज के प्रति आगे बढ़ाना है लर्निंग एक सोशल क्या है प्रोसेस है कैसे सब साथ में मिलकर के आएंगे कोऑपरेट करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे डिसीजन लेंगे क्रिएटिविटी रचनात्मकता को बढ़ावा देना है कुछ नया करने पे बल हो कुछ नया सोचने पे हम जोर दे पाए ठीक है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में कम्युनिकेट करना अपने आप में कम्युनिकेशन क्या है एक स्किल है और आज के दौर में अपनी बात को ढंग से कह पाना अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है तो कम्युनिकेशन भी एक ऐसी स्किल है जो जरूरी है है ना संप्रेषण का कौशल तनिष्क को कह रहे हैं है, मैम संडे को सीट मिल जाएगी ना मैं बिहार से डेली आ गया हूं बट आपका एक ऑफलाइन क्लास देखा था बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट्स थे तनिष्क मेरे ख्याल में मिल जानी चाहिए क्योंकि हमने बहुत कम टाइम पहले ही बताया कल या परसों ही आपको इन्फॉर्म किया इस चीज के बारे में तो बाकी तो अरे कर लेंगे यार मैनेज क्या दिक्कत है खड़े होके बैठ के जैसे होगा मैनेज कर लेंगे थोड़ा पहले आ जाना और क्या देखिएगा अगर हम बात करें बहुत बढ़िया मिलेंगे परसों फिर आता है मीडिया लिटरेसी यानी मीडिया के भी इतने सारे साधन है आज की डेट में उनके बारे में आप लिटरेट हो लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो एक दिशा दे पाए आप औरों को भी खुद को भी प्रोडक्टिविटी कैसे आप समय को सही तरीके से यूज कर पाए चीजें जो करना चाहते हैं वो कर पाए डांस भी कर लो तुम बैठे बैठे फ्लेक्सिबिलिटी यानी हम रिजिड ना हो हमारे अंदर चेंज होने की क्षमता हो जब समय बदलता है तो हम भी बदल पाएं तो ये चेंज वाली जो एबिलिटी है यही फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ ट्वेल्व स्किल्स हैं हैं जिनको हम क्रिटिकल थिंकिंग सॉरी सेंचुरी स्किल्स कह रहे हैं कि किसी शताब्दी के ये कौशल हैं जो जरूरी है कि हम स्कूल्स में बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएं चाहे उनको हम ट्रिप पे ले सिखा रहे हैं कुछ कुछ चीजें चीजें एक्टिविटीज अलग अलग करवा रहे हैं तब सिखा रहे हैं एंड ऑल एंड ऑल ठीक रिडक्शन इन करिकुलम कॉन्टेंट टू एनहेंस इसल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि हम क्या कर रहे हैं जो करिकुलम है उसको थोड़ा सा घटा दें ऐसा ना हो बच्चे से भारी बसता हो एक रिपोर्ट आई थी 1992-93 में लर्निंग विदाउट बर्डन की यानी बोझ ना बन जाए अधिगम बच्चे पे तो लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करके करिकुलम का लोड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना उसको कम करना है रिडक्शन करना है उसमें पाठ्यचर्या में और करिकुलम क्या है करिकुलम में सब कुछ आता है स्कूल में जो पैर रखने से लेकर के कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक करिकुलम सब कुछ है पाठ्यचर्या करिकुलम का एक हिस्सा होता है सिलेबस पाठ्यक्रम चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं जेंडर इंक्लूजन फंड हो के भाई हम जेंडर पैरिटी की बात कर रहे हैं तो अगर हम स्पेशली फीमेल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हम एफर्ट्स डाल पाए के जी जो आपकी कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय है उनको ग्रेड ट्वेल्व तक हम इन्वॉल्व कर पाए रिडक्शन इन दी करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखनी है ये लाइन कि जो करिकुलम में रिडक्शन है कमी है पाठ्यचर्या में वो कोर कॉन्सेप्ट्स यानी जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम सिखा पाए बाकी हम रिड्यूस कर दें करिकुलम को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए लेंदी नहीं होना चाहिए करिकुलम यानी पाठ्यचर्या आपकी करिकुलम और पैडेगोल जो है स्कूल में वो लर्निंग कैसी होनी चाहिए होलिस्टिक होनी चाहिए ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा सर्वांगीण यानी लगभग हर एक पक्ष को इंक्लूड करे इंटीग्रेटेड हो एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो इंजॉयबल हो यानी बच्चे आनंद ले पाए और एंगेजिंग यानी वो बच्चे क्या है एक्सप्लोर कर रहे हो इन्वॉल्व हो उनका मन लगा रहे लर्निंग में बात तो ठीक है कर पाएं, कर पाएं, कर पाए 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 आइडेंटिफाई पोस्टर हम हर एक बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटी को हर एक बच्चा क्या है विशिष्ट है अपने आप में कुछ यूनिक रखता है धनिष्क तो हम उस चीज का ध्यान रख पाए रिस्पेक्ट फॉर डायवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर दी लोकल कॉन्टेक्स्ट यानी जिस संदर्भ से जिस लोकल कॉन्टेक्स्ट से बच्चा आ रहा है जिस परिवेश से बच्चा आ रहा है उसका भी हम ध्यान रख पाए उसकी सांस्कृतिक आ, पक्ष का भी हम ध्यान पर, रख पाए सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का और डाइवर्सिटी यानी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होंगे इन चीजों को हम समझ पाए इक्विटी एंड इंक्लूजन अभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे पांच नंबर का टॉपिक है तो इंक्लूजन का यानी समावेशन का हम ध्यान रखें हर तरह के बच्चे को चाहे वो गिफ्टेड है नॉर्मल है एवरेज है या मंदबुद्धि है या कोई टैलेंटेड बच्चा है क्रिएटिव है ब्लाइंड बच्चा है कोई और समस्या है हर तरह के बच्चे को हम क्लास में बिठा करके सिखा पाए इक्विटी यानी समता का प्रयोग कर पाए उसकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज को डिजाइन कर पाए अब आती है जेंडर आइडेंटिटीज को हम ध्यान में रखें सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज को हम ध्यान में रखें किसी को नीचा और ऊंचा ना दिखाएं ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज कि, कौन किस ज्योग्राफी से आ रहा है तो हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है उसके जो भी क्षमताएं वो लेकर के आए परिवेश से अपने डिसेबिलिटीज को हम इंक्लूड कर पाए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का ध्यान रख पाए बच्चों की सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसेज ग्रुप्स बनाए जाए स्पेशली काम करें उन लोगों के लिए जो सोशली और इकोनॉमिकली डिस हैं यानी वंचित हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से इसको नोट कर लीजिएगा ये सब मैंने नोट्स में आपको दिया है अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं तो ध्यान जरूर रखेंगे इस चीज का अगर लैंग्वेज के विषय में हम बात कर रहे हैं तो एनईपी आपको कह रही है कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला को फ्लेक्सिबली यूज करना है थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला क्या था कि तीन भाषाएं प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जिसमें से पहली भाषा मातृभाषा होनी चाहिए दूसरी भाषा अगर मातृभाषा हिंदी नहीं है तो दूसरी भाषा हिंदी होगी तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है इंग्लिश हो जाएगी तो ये एक बेसिक बात हुई नो लैंग्वेज इज बिंग इम्पोज इस बात का ध्यान रखिएगा बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी भाषा को आप थोप नहीं सकते बच्चे पे अप्लाई नहीं नहीं कर सकते, इंपोज नहीं कर सकते सकते उसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी चॉइस से वो लैंग्वेज पढ़ पाए मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड फाइव कक्षा पांच तक जो क्षेत्रीय और मातृभाषा है उसकी जो घर में यूज करता है होम लैंग्वेज है नेटिव लैंग्वेज है उसका आप प्रयोग उसको करने देंगे बच्चे की मातृभाषा को डिस्करेज यानी हतो साहित नहीं करना होता फिर आते है, है स्कूल्स में संस्कृत क्या है एक ऑप्शनल की तरह होनी चाहिए बच्चे के पास वो जिस लेवल पे पढ़ना चाहे एक ऑप्शनल के रूप में एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में जितनी भी सांस्कृतिक भाषाएं क्लासिकल उनको आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख पाएंगे तो थ्री लैंग्वेज हम को यूज करना है मल्टीलिंगुअल कंट्री है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बहुभाषा का प्रयोग कर पाए यानी जो एनसीएफ कहता था उसी बात को बढ़ावा दिया है कि मल्टीपल भाषाएं देश भर में चलती हैं हम कहते हैं कि कोस कोस पे कोस पे पे पानी बदले तीन वाणी तो जो भाषाओं का जो चेंज है या बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है विभिन्नता है लैंग्वेज को लेकर के इंडिया में उसको हम ध्यान रख पाए और एक क्लास में मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले पढ़ने वाले बच्चे हों आई को बढ़ावा देना यानी इंडियन साइन लैंग्वेज को हमें

तकलीफ समझते भर भर के शुगर होता है उसमें मंगाओ मंगाओ कॉफी ऑर्डर करने के मूड में है खाना प्लेट लगवा दें तुम्हारी शांतनु क्या कह रहे हैं आई एम फैन मैम बाय द वे मैराथन क्लास में सी टेट मॉडल पेपर भी कराइएगा एग्जाम से पहले कुछ क्रिएटिव हो जाएगा अरे बिल्कुल कर लेंगे शांत क्वेश्चंस कराएंगे यार अभी तो डोंट वरी कराएंगे करेंगे मॉडल भी करा देंगे देखिएगा अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पांच नंबर का टॉपिक है आपके सी टेट में और लगभग हर एक एग्जाम एक में जहां पे भी टीचिंग एग्जाम की बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आता ही है समावेशी का अगर जो वर्ड है इंक्लूसिव इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करने से बना है सबको इंक्लूड करना है एजुकेशन फॉर एजुकेशन ऑल सभी के लिए शिक्षा भाई जैसे मदर नेचर जो हमारी प्रकृति है जिसको हम माता के रूप में देख रहे हैं वो सबको इंक्लूड करके रखे हुए यानी हवा चल रही है तो सबके लिए समान है अगर दो लोग खड़े तो ऐसा नहीं किसी एक को ही हवा लगेगी दूसरे वाले को नहीं लगेगी है ना तो हवा चल रही है सबके लिए समान है धूप निकली है सबके लिए समान है बारिश होगी सबके लिए होगी है ना और मतलब जो भी आसपास की चीजें हैं वो वो सारी सारी प्रकृति ने चीजें जो जल है 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 वो सब सब है है वायु अग्नि आकाश सब सबके सबके लिए लिए तो उसी तरह से एजुकेशन भी होनी चाहिए जब मदर नेचर हमारे अंदर अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं अगर आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं अगर आपके पैर में कुछ दिक्कत है आप चल नहीं पाते हैं आपके ब्रेन में कुछ दिक्कत है या आप बहुत गिफ्टेड व्यक्ति हैं दिमाग से अगर सारे के सारे तरह के लोग कहीं पे खड़े हुए हैं और बारिश हो रही है तो सब पे होगी तो मदर नेचर जब हमें एक सिंगल एंटिटी की तरह रखती है या इंक्लूड करके रखती है तो हम एज ह्यूम सेपरेट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को इस चीज पे इस प्रिंसिपल पर आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन इसी बात को इक्विटी कहते हैं यानी हमारे अंदर जो भी अंतर है या जो भी जरूरतें हैं उन सबकी जरूरतों का ध्यान रखना उनकी नीड्स को ध्यान में रख के सबको एक साथ लेकर के चलना समता कहलाती है ये है ना तो इक्विटी एंड इक्वेलिटी के प्रिंसिपल पर समता और समानता के प्रिंसिपल पर ये आधारित है समता क्या है समता है नीड के अकॉर्डिंग अगर किसी की हाइट है चार फीट और किसी की हाइट है छह फीट तो इक्वालिटी अगर आप कोई गेम देखने गए हैं कहीं पे खड़े हुए हैं कुछ देखना है आपको तो दोनों को अगर एक साथ एक जैसा स्टूल दे देंगे आप बराबर हाइट का मैंने फोटो भी दिखाई है पहले आपको तो ये इक्वालिटी हो जाएगी बट क्या हमेशा इक्वालिटी से काम चलता है नहीं कई बार आपको उस व्यक्ति को जो ऑलरेडी नीचे है या कोई और समस्या का सामना कर रहा है उसको ऊपर लाना होता है तब जाके इक्वालिटी की बात होगी तो इक्विटी क्या है नीड के अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है किसी की हाइट कम है तो उसको थोड़ा आप हाइट वाला एक सीढ़ी देंगे जो ज्यादा हाइट रखती होगी छह फीट वाले व्यक्ति से इसी के आधार पर रिजर्वेशन अगर हम देख रहे हैं आरपीडब्ल्यू डी एक्ट में और भी बहुत सारी चीजों में दिए जाते हैं कि हम जॉब्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं सीट एट में भी हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं जो लोग ब्लाइंड हैं या किसी को कोई भी एक डिसेबिलिटी है तो उन लोगों के लिए क्यों क्योंकि इक्विटी का ध्यान रख रहे हैं तो समता यानी एज पर नीड समता को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी और इक्विटी के प्रिंसिपल पर आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन आधारित है ठीक है कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बताइए कोई दिक्कत नहीं है उससे विकास ठीक

एक बच्चा हर तरह का बच्चा इंक्लूडेड है एजुकेशन फॉर ऑल है कहा जाता है कि पृथकीकरण या अलगाव प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है यानी सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर यानी अलग थलग नहीं करना है बच्चे को कि अच्छा तुम्हें दिखाई नहीं देता है तुम उन बच्चों के साथ बैठो पांच बच्चे जिनको दिखाई देने में समस्या है उनको अलग रखेंगे पांच बच्चे जिनको चलने में समस्या उनको अलग रखेंगे ब्लाइंड स्कूल अलग है कोई और तरह का स्कूल अलग है ये नहीं करना एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में यानी एक सामान्य स्कूल के अंदर बैठ करके हर तरह का बच्चा पढ़ सके यही है इंक्लूसिव एजुकेशन तो रेगुलर स्कूल सिस्टम में चाहे बच्चा ब्लाइंड है उसको ऑर्थोपैडिक डिसेबिलिटी है चलने फिरने में सुनने में कोई भी तरह की समस्या या वो गिफ्टेड है टैलेंटेड है क्रिएटिव है कुछ भी है बच्चा हर तरह के बच्चे देखो दो प्रकार के बच्चे होते हैं रेगुलर स्कूल सिस्टम में हम हर एक बच्चे को एजुकेशन दे पाए ये कहेगी इंक्लूसिव एजुकेशन क्योंकि आपको तो सेग्रीगेट नहीं करना ये वर्ड ही अपने आप में बहुत नेगेटिव है जैसा कि हमने कहा कि जब हमारी मदर नेचर जो प्रकृति है वो हमें सेग्रीगेट नहीं करती वो हमें भेदभाव नहीं करती तो हम कौन हुए ठीक तो सेग्रीगेशन की जगह इंक्लूजन वर्ड का प्रयोग करना है समावेशन का प्रयोग करना है इंक्लूजन क्या है एक बेहद पॉजिटिव वर्ड है पूरे पेपर में ध्यान रखेंगे इस बात को तो रेगुलर स्कूल सिस्टम में हर बच्चे को हम शिक्षा दे पाए एक और बात सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए बना है बच्चा सिस्टम के लिए थोड़ी बना है कि आपने बच्चा पैदा किया क्योंकि सिस्टम को देना था ऐसा थोड़ी होता है भाई सिस्टम बच्चे के लिए बनाया गया है ना तो आप सिस्टम में चेंज लाते हैं कहां चेंज लाएंगे सिस्टम में चेंज लाएंगे स्कूल में चेंज लाएंगे बिल्डिंग में चेंज लाएंगे बच्चे के लिए ना कि बच्चे में चेंज लाएंगे कि बेटा तुम चल नहीं पाते जाओ टांगों का इलाज कराओ कुछ और कराओ नई टांगे लगवा लो कल से दौड़ के आना नहीं तो मत आना ऐसा थोड़ी होता है तो बच्चे के अनुसार सिस्टम बना है या सिस्टम के अनुसार बच्चा बनेगा तो चेंज करना है किसमें सिस्टम में सिस्टम क्या है बिल्डिंग से लेके करिकुलम से लेके टीचर्स से लेके पूरे आसपास की दुनिया जितनी भी है उसको बच्चे के अनुरूप बनाना है उसकी नीड्स का ध्यान रखते हुए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए सिस्टम क्रिएट करना है कि भाई सीढ़ियों से अगर नहीं चल पा रहे हो तो क्या करें रैंप बनवा दें स्कूल्स में है ना या फिर जो बच्चे चलने फिरने में दिक्कत है उनकी क्लास हम ग्राउंड फ्लोर पे लगवाएंगे सिर्फ उनकी ही नहीं मतलब क्लासेस की कोशिश करेंगे फिर ग्राउंड फ्लोर पे ही हो तो ये क्या हुआ ये इंक्लूसिविटी हुई कि हम सेग्रीगेट नहीं कर रहे तो सिस्टम में चेंज बिल्डिंग में चेंज करिकुलम में चेंज टीचर की अप्रोच में चेंज सेंसिटिविटी में चेंज के टीचर उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुला रहे हैं ये सब नहीं होना चाहिए कि आप ठप्पा लगा के लेबल कर रहे हैं बच्चों को अरे वो अंधे बच्चों को बुलाओ ये क्या हुआ ये बेवकूफी हो गई ये इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है आप बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं ऐसे। तो सिस्टम में चेंज लाना है बच्चे में नहीं ये बात ध्यान रखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम यानी यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात करेगा बच्चे में बदलाव की नहीं बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है सिस्टम बच्चे के लिए बना है पूरा जो भी तामझाम क्रिएट किया गया है वो किसके लिए किया गया है बच्चे के लिए यह सिस्टम के लिए बच्चे बनाए गए नहीं ठीक अगर हम बात करें बच्चों की तो एक होता है नॉर्मल बच्चा और एक है आपका स्पेशल बच्चा ठीक दो प्रकार के बच्चे हैं अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल में आप एवरेज बच्चे को रख दीजिए यानी जो औसत जिसका आईक्यू 90 नब्बे से एक सौ दस है या कोई खास समस्या है सच नहीं है औसत बच्चा स्पेसिफिक कह लीजिए आप इसको विशिष्ट या स्पेशल कह लीजिए इसमें जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है चाहे वो चलने फिरने में समस्या हो चाहे वो गिफ्टेड हो हर तरह का बच्चा जो एवरेज नहीं है वो स्पेशल ही है कहीं कही ना कहीं तो हम कहेंगे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो नॉर्मल प्लस स्पेशल चाइल्ड सबको अपने अंदर समाहित करके रखती है यानी जो समावेशी शिक्षा है वो इंक्लूजन की यानी समावेशन की बात करेगी एजुकेशन फॉर ऑल इन बातों को हल्के में मत लीजिएगा नहीं तो पेपर में आपकी आंखों के सामने से क्वेश्चन जाएंगे और आप तैरते रह जाएंगे कि हाय ये तो कुछ कुछ तो सुना था क्लास में पता नहीं क्या चल रहा है है ना केवीएस पी आर टी लेवल पे ईवीएस करवा दीजिए आपसे ही करनी है साक्षी बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं आपके विवेक सर पूरा इतने सालों से, से, से लेके सबको पढ़ा रहे हैं तो और अच्छे से वो करा पाएंगे उसमें और मैं मेरी अगर आप बात करोगे मैं जिस भी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी आपको यहाँ करूंगी और पेडोगोजी में करूंगी ठीक नोट्स पर भी आपको मिल जाएंगे चलिए कोई नहीं ये सब देखते रहेंगे अभी पढ़ने पर ध्यान दे लेते हैं ये सारी बातें करने के लिए हमारे पास बहुत बहुत टाइम है अभी के के लिए भी टाइम है अभी आपको आ, आ, क्या कहते हैं उसको डेमो डेमोलेक्चर्स भी मिलेंगे मैं पूरा केवीएस का जो पेडोगॉजी वाला सिलेबस है वो भी आपको तोड़ के बता दूंगी अगर आप बेस्ट ले पा रहे हैं तो भी ले लीजिए नहीं ले पा रहे हैं तो कहां से पढ़ें सारा कुछ बता दूंगी अभी दो चार दिन रुक जाओ है ना ठीक है चलिए तो एजुकेशन फॉर ऑल सेग्रीगेशन नेचर है बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना और अगेन यही बात हिंदी में भी लिख दी गई है कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सिस्टम में परिवर्तन किया जाता है ना कि बच्चे में तो सिस्टम में बदलाव करना है बच्चे में नहीं क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए है दूसरा एक चीज होती थी पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसको एकीकृत शिक्षा कहते थे अभी भी होती है बट एकीकृत शिक्षा से बेहतर है समावेशी शिक्षा एकीकृत में क्या था आप एडमिशन तो दे दे रहे हैं उन बच्चों को जो स्पेशल नीड वाले हैं जिनको देखने में समस्या है या कोई भी एक स्पेशल नीड है कोई भी एक डिसेबिलिटी भी हो सकती है तो उनको सिर्फ एडमिशन दे रहे हैं उनके अनुसार सिस्टम में चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो ये इंटीग्रेटेड थी इंटीग्रेटेड से बेहतर क्या है इंक्लूसिव है कि हम सिस्टम में भी चेंज कर पा रहे हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम सिस्टम में परिवर्तन कर पा रहे हैं तो ये बेहतर हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन से ये एक वन लाइनर की बात हो गई ये नोट्स फ्री हैं पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके बाद में आप आस पड़ोसियों को भी कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ चाहे आपने दुनिया के किसी टीचर दुनिया की किसी किताब दुनिया के किसी नोट्स कहीं से भी पढ़ा हुआ है ये पेज जरूर पढ़ के जाइएगा इसमें भी कुछ क्वेश्चन है देखिएगा अगर हम बात करें मतलब क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा में है कॉन्सेप्ट तो है ही सारे तो अगर वो क्वेश्चन वाले पेज हटा देंगे तो और कम हो जाएंगे ठीक हिंदी के भी इंग्लिश के भी नोट्स मैं दे चुकी हूँ पेडोगलॉजी के मैथ्स के और ईवीएस के आपको मिलेंगे पेपर से पहले मिल जाएंगे डोंट वरी देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं ये सब छोड़ दीजिएगा अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है यूएन की तो यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो 1993 में ये कहा गया था कि जो लोग वंचित हैं डेप्राइव्ड हैं किसी भी तरह से चाहे कोई बच्चा आर्थिक रूप से यानी उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ पाए एजुकेशन ले पाए चाहे फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है चाहे देखने में उसको प्रॉब्लम है डेफ एंड डम है ब्लाइंड है कोई भी प्रॉब्लम अगर है बौद्धिक स्तर में कुछ किसी का आईक्यू बिल्कुल ही कम है तो हम उसको भी, से कर के, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो इस चीज को इंक्लूसिव एजुकेशन निकल करके आई ये यूएन की मीटिंग में नाइन की बात हो रही है अब एक और चीज है जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो डिसेबल्ड बच्चों की बात आती है और डिसेबल्ड बच्चों के लिए भारत में 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रावधान है नॉर्मल बच्चों के लिए जब आप अभी आरटीई पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट तो उसमें छह से चौदह वर्ष के बच्चे फ्री यानी फ्री एंड कंपलसरी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लेकिन जब बात उसी की डिसेबिलिटी की आती है तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए छह से अट्ठारह वर्ष है आरपीडब्ल्यू डी एक्ट में अलग से बात कही गई है अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हम करने वाले हैं तो और ये छियासीवे संविधान संशोधन के तहत हुआ अब कुछ डिसेबिलिटी के प्रकार हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आता है उसको फटाफट से समझ लेते हैं अपनी एनर्जी बना करके रखनी है एग्जाम डेट कब तक आ सकती है एनी आइडिया so की सारा रिविजन हो जाए एक बार थैंक्स इन एडवांस दिव्यांजलि वो मैं भी कराऊंगी आपका उस समय पर भी अलग अलग सब्जेक्ट की मैराथन तभी रखेंगे जस्ट पहले ही और क्वेश्चन तो करते ही रहेंगे तब तक तो मुझे लगता है कि एग्जाम डेट अगर 16 के बाद पेपर होना है तो और दो चार छह दिन में पता लग जाना चाहिए इतने आप पढ़ाई अपनी करते रहिए सीटेट क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर वाला बट उस टाइम फर्स्ट ईयर अब कोई फर्क नहीं पड़ता अब तो इन्होंने सबको ही कर दिया ना आकाश डोंट वरी से पहले कभी भी 2011 में सीट एट किया था दुनिया के कभी भी किसी भी समय में आपने आज तक सीट एट क्लियर किया था आप पेपर दे सकते देखिए डिसेबिलिटी के प्रकार हैं और क्षमता के प्रकार हैं क्या है दृष्टि अक्षमता अक्षमता हो सकती है दृष्टिगत क्या है विजुअल डेफिशिएंसी डिसेबिलिटी बच्चे को देखने में दिक्कत हो सकती है या पार्शियल विजन हो सकता है कि भाई पार्शियली देख पाता हो पूरी तरह से जो आईसाइट है उस तरह से वर्क ना करती हो या बहुत हद तक ना दिखता हो या बिल्कुल ही ना दिखता हो इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती है तो दृष्टि बाधित बच्चा यदि कोई भी है तो वो विजुअल डेफिशिएंसी या डिसेबिलिटी में आएगा दूसरे प्रकार की डिसेबिलिटी क्या है ये अक्षमताएं हैं ठीक डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं ऑडिटरी डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चे को पूरी तरह से सुनाई ना देता हो या फिर कुछ हद तक उसका जो ऑडिटरी क्षमताएं हैं वो वर्क करती हूँ पूरी तरह से ना सुनता हो सत्तर परसेंट सुन पाता हो है ना और किसी भी डिसेबिलिटी को अगर आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो चालीस परसेंट से अधिक अगर डिसेबिलिटी है तभी जाकर के आप एक आ, कोई भी लाभ या कोई भी एक क्या कहेंगे रिजर्वेशन गवर्नमेंट अगर दे रही है किसी भी बच्चे को तो 40 परसेंट से ज्यादा अक्षमता होनी चाहिए डिसेबिलिटी होनी चाहिए उसका सर्टिफिकेट बनता है आसपास से जो भी मेडिकल अथॉरिटीज होती है वो बनाती हैं श्रवण अक्षमता यानी ऑडिटरी डिसेबिलिटी ऑडिटरी को ऑरल भी बोल देते हैं यानी ऑडियो से संबंधित सुनने से संबंधित दिव्यांगता या अक्षमता सी ऑप्शन है मानसिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बच्चे के जो इंटेलेक्ट है आईक्यू के आधार पर बुद्धि के आधार पर वो डिसेबल्ड है समझने की क्षमता सीखने की क्षमता तर्क करने की क्षमता यानी रीजनिंग लर्निंग एडेप्टेबिलिटी इन सब में प्रॉब्लम है लर्निंग फोर्थ क्या है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर में क्या होता है चलना फिरना जो फिजिकल एक्टिविटी करने की क्षमता है याद कीजिए कुछ मत याद कीजिए बेसिकली चलने फिरने में दिक्कत है व्हील चेयर पे है बच्चा बेसिकली जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मूव करने में मोटर एक्टिविटीज करने में मूवमेंट में दिक्कत है वो सब में ये एक प्रकार हुआ है इसका जरूरी नहीं है कि आपको शरीर में कहीं दिखे की बीमारी है याद कीजिए वो कौन सी मूवी है तारे जमीन पर तो तारे जमीन पर में जो ईशान अवस्थी है दिखने में नॉर्मल लगता है बच्चा ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे लेकिन उसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि डिसलेक्सिया कहलाती है बहुत कॉमन है

स्पेशल एजुकेशन व्यक्ति क्या हुआ है? ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं फोन में लगे पड़े हैं सैमुअल किर्क ने नाइनटीन सिक्सटीज में लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की है ना किर्क नाम के व्यक्ति हैं। अगर पूछ ही ले बुरे समय में ठीक तो अगर हम बात करें आ, कोई कह रहा है, आपने ईशान अवस्थी को अमर कर दिया हाँ कुंवर प्रताप उसका रीजन है कि वो लगभग सभी ने मूवी देखी हुई है और बड़ा क्यूट सा बच्चा है तो तो मूवीज से हमें चीजें याद रह जाती हैं एग्जांपल्स अदरवाइज किसी एग्जांपल किताब का दो तो आधे लोगों ने वो पढ़ी भी नहीं होगी धर्म मीना क्या कह रहे हैं है? मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं हम साइंस पैटागॉजी भी करा दो आपका स्टूडेंट धर्म बहुत बढ़िया धर्म बट अभी इस बार साइंस पैटागोजी नहीं करा पाएंगे चलिए एस एस टी और साइंस नहीं करेंगे बाकी सब कर लेंगे ठीक है चलिए अगर हम बात करें अधिगम अक्षमता की अगली बार कोशिश करेंगे कि समय निकाल के करा पाए बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं तो ये सारी तरह की डिसेबिलिटी है लर्निंग डिसेबिलिटी में बाहर नहीं दिखेंगे आपको चीजें बट कहीं ना कहीं या तो ब्रेन वायरिंग ऐसी है ब्रेन की न्यूरल जो पूरा हिसाब किताब है वो वैसे बना हुआ है या फिर कहीं से कोई डैमेज हुआ कोई एक्सीडेंट या कुछ दोनों स्थिति में आ जाती है जो डिवेलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है वो जन्म से कुछ समय में ही हो जाती है चलिए खैर आते हैं ये अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज हुई इनमें से कुछ प्रकार ही पढ़ेंगे क्योंकि जरूरी वही है अब जैसे एक चीज है अलेक्सिया इस बार कुछ कुछ मैंने एक्स्ट्रा में भी एड किया है कहीं आपसे पंगे लेने का मन कर जाए एग्जामिनर का तो एलेक्सिया से पहले हम डिस्लेक्सिया पढ़ेंगे क्योंकि डिस्लेक्सिया हम सबने एक बार जरूर पढ़ा है सुना है पेपर में ऐसा कोई पेपर नहीं है टीचिंग का जहां कम से कम एक क्वेश्चन ना पूछा जाता हो बहुत रेयर है कि टीचिंग एग्जाम हो और एक क्वेश्चन मिनिमम डिस्लेक्सिया पे ना पूछे तो जब हम बात डिस्लेक्सिया की कर रहे हैं डिसलेक्सिया अगेन तारे जमीन पर याद कीजिए ईशान अवस्थी और जो थ्री इडियट में वायरस थे असलियत में उनको भी डिसलेक्सिया है है ना बुमन ईरानी आई थिंक और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे डिसलेक्सिया कॉमन है काफी तो अक्षमता में अगर हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की तो ये डिसलेक्सिया बहुत कॉमन है इसको हम पठन वैकल्य भी कहते हैं या वैफल्य कह लीजिए मतलब पढ़ने में विफलता या दिक्कत यानी रीडिंग डिसऑर्डर है ये मेनली यानी पढ़ने में समस्या है पढ़ने में समस्या है अब इससे जुड़ी हुई और भी चीजें हैं भाई जो व्यक्ति पढ़ता सही है गलत है वो लिखेगा सही कैसे अगर मैंने ए को बी को डी पढ़ा है तो मैं डी ही लिखूंगी ना जब लिखने को कहोगे आप मेरे से अगर बैड को डैड पढ़ा है तो डैड ही लिखेगा ना व्यक्ति ठीक है ना तो इसमें पढ़ना तो है ही शामिल अगर लिखने में भी समस्या इसकी वजह से हो सकती है क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही कैसे बताइए 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 कोट बहुत प्यारा है बता देते इसको देखिएगा चलिए धन्यवाद मजाक कर रही आ जाइए आई एम फ्रॉम गया बिहार मुझे छोड़ करके चला गया वो तनिष्क बोला भी नहीं राजा गुप्ता कैसे दोस्त हैं आपके हैं शर्म आ रही है कि नहीं ऑनलाइन को ऑफलाइन कर देना मैम प्लीज कोशिश करेंगे कि लाइव कर दें या बाद में रिकॉर्डिंग डलवा दें वन ऑफ योर क्लास श्योर आईल स्कोर वन थर्टी बहुत बढ़िया ऋषभ कोई बात नहीं आप नौकरी लेके आइएगा राजा तनिष्क टीम के साथ मुझे क्रिकेट खेलना है मैम प्लीज तनिष्क सर को पकड़ी इस चीज के लिए। I mean, उनको करिए। ये सब देखिए इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ पढ़ने और पढ़ाने में देखिए अगर हम बात करें ई वो अब कुछ कुछ चीजें हैं रीडिंग डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें पढ़ना तो संबंधित है ही लिखना भी आ सकता है तो यदि ऑप्शन में पढ़ना नहीं दिया हुआ सिर्फ तो आप लिखने को भी काउंट कर सकते हैं और या दोनों को भी काउंट कर सकते हैं वैसे मेजरली 99% नाइन परसेंट केसेज में रीडिंग डिसेबिलिटी काउंट होती है हिंदी बड़ाबाजी का क्लास करवाएंगे कृष्णराज इंग्लिश का भी करवाएंगे ईवीएस के भी कुछ क्लासेस कराएंगे बट थोड़ा रुक के कराएंगे अभी पहले सी आज कंप्लीट हो जाएगा फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ क्वेश्चन हैं वो सब चलेंगे तो डोंट वरी डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है अब मैं सोच रहा हूं जिस दिन डेट अनाउंस हो जाएगी फिर तब से नेक्स्ट मैराथॉन्स कंटिन्यू करेंगे डिसलेक्सिया क्या है एक व्यापक शब्द है यानी ब्रॉड टर्म है जिसका संबंध पठन विकार से है और लेखन से भी हो जाता है पढ़ने में कठिनाई होती है ऐसे बच्चे को ई व क में विभेद करने में दिक्कत होती है यानी वॉल वॉल्स वगैरह में भी दिक्कत होती है जैसे सो को वॉल्स पढ़ेगा बच्चा न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकता है छे को नौ पढ़ सकता है बी को डी पढ़ सकता है डॉग को गॉड पढ़ सकता है गॉड को डॉग पढ़ सकता है यानी रिवर्स हो जाते हैं उसके दिमाग में लेटर्स आपको ए ऐसे दिख रहा है उसको हो सकता है ए ऐसे दिखे तो जो ब्रेन इमेजिंग है एक तरह से लेटर्स रिवर्स में काम करते हैं उसके ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होती है वो रिवर्स हो जाते हैं लेटर्स या उनका क्रम याद रखने में अक्षरों का क्रम याद रखने में दिक्कत होती है जैसे सौ को वॉ पढ़ना ये सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं प्रतिमा अब तो भर दीजिए फॉर्म सोचना कुछ नहीं है तैयारी करनी है मस्त तरीके से कोई नहीं देख रहा ठीक देखेगा तो उसमें आप कर भी क्या लोगे तो अब तो आपको फॉर्म भर ही देना चाहिए शांति से रिजल्ट नहीं आया था फर्स्ट ईयर का मैटर छोड़ो कौन देख रहे है अब। जब पढ़ने में होती है, तो लिखने में भी त्रुटि तो में नहीं लिखने में भी समस्या आएगी में। तो जब भी बात कि रिवर्सल याद कीजिए जब वो बच्चा था ईशान अवस्थी उसको खड़ा किया जाता था पढ़ने के लिए उसको इतना एंक्शियस फील होता था अजीब सी सिचुएशन आती थी हाथों में पसीने दिमाग में पसीने पूरी बॉडी की बैंड बच जाती थी तो इन बच्चों की अगर आप नोटबुक देखेंगे तो ये रिवर्स में लिखा हुआ होगा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ होगा पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी आप पढ़ भी नहीं पाएंगे क्या लिखा है और ना ये पढ़ पाएंगे अगर इनसे पढ़ने को कहा जाए तो डिस्लेक्सिया रिवर्सल ऑफ लेटर्स और पढ़ने में कठिनाई है इसके अलावा हम अलेक्सिया की बात कर रहे थे तो जो एलेक्सिया है जैसे डिस्लेक्सिया क्या है डिस्लेक्सिया के कई प्रकार हैं लेकिन जनरली हम यही समझते हैं कि डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित एक समस्या है डिस्लेक्सिया को यहां पे हम डेवलपमेंटल डिस्लेक्सिया देख रहे हैं कि बचपन से ही भाई किसी का ब्रेन न्यूरल कनेक्शन वैसा ही है तो इसको हम क्या तो ठीक ही कर लेंगे बस थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं और बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे पढ़ने को कम कहेंगे बाकी एक्टिविटीज के थ्रू सिखाएंगे एलेक्सिया एक चीज है जो मान लीजिए बाद में ब्रेन डैमेज हो गया किसी भी वजह से डैमेज या कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा कोई ट्रॉमा है कोई एक्सीडेंट है उसकी वजह से एलेक्सिया होगा जो डिसलेक्सिया है वो हो सकता है कि डेवलपमेंट के समय ही हो गया हो उसके भी कई प्रकार हैं बट एलेक्सिया का जो संबंध है वो डैमेज से ज्यादा है नॉर्मल से कहीं दूर सीतामणि से आदर प्रणाम मेरे हिंदी में पंद्रह तक ही आ रहे हैं आपके नोट्स भी पढ़ लिया हूं बट सुधार नहीं हो रहा है हिंदी का प्रैक्टिस करवा दीजिए प्लीज मैम तो आप करा देंगे जहीर खान प्रैक्टिस पक्का पक्का बात रही आपकी पंद्रह तक आ रहे हैं तो पंद्रह अगर पेडोलॉजी में आ जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया लेकिन अगर में नंबर कट रहे हैं तो उसपे भी फोकस करो रिलेटेड डिस्क्रेफियालकुलेटर हाँ ठीक है शांत रहूं इस पर आएंगे अभी चर्चा कर रहे हैं एक एक करके तो अगर हम बात कर रहे हैं एलेक्सिया की तो एलेक्सिया क्या है डैमेज ब्रेन में कोई एक्सीडेंट हुआ कोई डैमेज हुआ कोई ट्रॉमा लगा मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अगर क्षमता है तो उसको हम एलेक्सिया कह रहे हैं

बन जाती है यदि बच्चे को सही समय पर पहचान ना हो कि उसको कोई दिक्कत है तो और भी सेकेंड डिसबिलिटीज उसके अंदर जनरेट होने की आशंका बढ़ जाती है तो इसलिए जरूरी है कि हम टाइम पे आइडेंटिफाई करके उसके साथ वैसे ही डील करें तो डिसक्सिया पे हम चिंतन कर चुके हैं कि बच्चा रिवर्स में पढ़ेगा ए बी को डी सिक्स को नाइन ये सब अब एक चीज आती है अप्रेक्सिया अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया तो अप्रेक्सिया बेसिकली होता है कि जिसमें संभावना ही नहीं बची है कि थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज हो सकता है परमानेंटली डैमेज है। में थोड़ा बहुत बदलाव करके कुछ सुधार संभव होता, होता है और वो, वो मतलब न्यूरल है। तो सारे हैं इनको पूरी तरह से ठीक करवाना तो संभव नहीं होता बट इनको कंट्रोल करना और मुश्किल है जो ए वाले जितने भी लिखे हुए हैं मेरा आंसर सही नहीं हो पा रहा है मैं क्या करूं सिक्सटीट सही हो पा रहा है वंदना सेशन में आइए परसों बताइए किस क्षेत्र में दिक्कत है किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ईवीएस में गलती हो रही है किस क्षेत्र में गलती हो रही है ठीक और इस टाइम पे नंबर से ज्यादा फोकस करिए जितना हो सके पढ़ें दिमाग में उसको रखें और पेपर में देकर के आए अब उन लोगों को मॉक टेस्ट नहीं लगाने चाहिए जिनको डर है कि पता नहीं क्या ही होगा डर मतलब ऐसा डर के हमने पढ़ा नहीं है ज्यादा नंबर कम आ रहे हैं तो अब आप उसको छोड़ के पढ़ने पर ही फोकस कर लीजिए जितने आने होंगे पेपर में आ जाएंगे फिर और ज्यादातर तो चांसेस हैं कि आप अगर डरे कम तो नंबर ज्यादा ही आएंगे अपरेक्सिया की बात करते हैं यह है एक ऐसा शारीरिक विकास है विकार है विकार जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित कौशल यानी जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं जैसे लिखना पहलना बोलना सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल्स जिसमें लिखना हो सकता है ड्रॉ करना बोलने में दिक्कत हो सकती है भाषा को समझने में दिक्कत हो सकती है फाइन ग्रॉस सब में हो सकती है यह मान, मा, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है यानी सेरेब्रम जो एक बड़ा सा पार्ट है आपके ब्रेन का उसमें यदि क्षति है डैमेज है तो ऐसा हो सकता है अप्रेक्सिया से ज्यादा जरूरी है क्योंकि अप्रेक्सिया रेयर ही कभी सीटेट में पूछा गया है बट ये टाइप है जो पता होना चाहिए थोड़े से डिस्प्रेक्ष की अगर हम बात करें बात वही है इसको आप समझेंगे कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर है इसको ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर है यानी भाषा को समझने में कठिनाई यानी मैं अभी जो बोल रही हूं अगर किसी को वो सुन करके समझने में भी दिक्कत हो रही है और अपनी बात कहने में भी दिक्कत हो रही है तो डिस्प्रेक्सिया जिसको होगा उसको ज्यादा समस्या होगी बाकी लोगों से तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी भाषा को समझने से संबंधित विकार है अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया मस्तिष्क के मस्तिष्क में क्षति के कारण हो सकता है कि भाषा को समझने में ब्रेन का कोई एक हिस्सा उस तरह से प्रभावित है भाषा समझने में दिक्कत हो तो ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से है कि बच्चा बोलकर ना तो समझा पा रहा है ठीक से ना समझ पा रहा है अगर कोई और बोले बस इतना ध्यान रखना चाहे अप्रेक्सिया लिखा हो डि लिखा हो दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर में घुसना नहीं है जरूरत नहीं है उस चीज की देखिएगा अगर हम बात करते हैं हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय व संतुलन स्थापित नहीं कर पाता यानी ऐसा भी हो सकता है अप्रेक्सिया में कि आंखें और जो पेन है यानी फाइन मोटर स्किल्स हैं और जो कोऑर्डिनेशन है आंखों का और उंगलियों का हाथों की वो ठीक से कोऑर्डिनेट ना हो पाए तो लिखने तक में दिक्कत आ सकती है न्यूर जो आपका नर्वस सिस्टम है वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है तो बाद में और भी डिसेबिलिटीज की संभावना बढ़ जाती है ठीक है अब आते हैं हम अफेजिया डिस्फेजिया हमने कर लिए हैं डिस्ग्रेफिया पे आते हैं डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्राफ का मतलब है लिखने से संबंधित राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम राइटिंग रिलेटेड है ये ग्राफ का मतलब ही है लिखने से संबंधित गर्मी लग रही है बहुत ही तेज तो एक मिनट दीजिएगा एसी चला दें दे तो गर्मी नहीं लग रही अच्छा कोने में बैठी हो ना तुम सारी लाइट्स तो हमारे लिए छोड़ दी हैं देखिएगा बहुत ही बढ़िया अभी हम सी -सी, वी -सी, सब कर लेंगे डोंट वरी क्लास थोड़ी हमारी लेट होती है बट आप अगले दिन भी देख सकते हैं डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्ग्राफिया क्या है लेखन संबंधी विकार है राइटिंग ग्राफ का मतलब है राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक से नहीं लिख पाता बच्चा इनकी जो राइटिंग होती है वो इलेजिबल होती है यानी पढ़ने योग्य नहीं होती एक होती है लेजिबल राइटिंग जिसको आप पढ़ने योग्य है पढ़ सकते हैं जैसे मैं अभी लिखने का प्रयास कर रही हूं कुछ लोगों को यह भी इलेजिबल लग सकती है यानी अगर आप इनकी नोटबुक उठा के देखेंगे पढ़ नहीं पाएंगे लिखा क्या है बस इन्हीं को पता है डॉक्टर्स की राइटिंग भी लगभग ऐसी ही होती है बट उनको कोई डिस्क्राफ नहीं होता वो उनका स्टाइल है बाबूराव वाला ठीक तो हम ये कहेंगे लेजिबल नहीं होती इनकी जो राइटिंग होती है वो इलेजिबल होती है पढ़ने योग्य नहीं होती है ना तो लेजिबल तो नहीं होती ये कह सकते हैं हम क्लियर बात है ये या नहीं कहा है कल्पना अच्छा एक और कोशिश कीजिएगा कि जो आप सीटेट की वेबसाइट से आंसर की वगैरह निकाल करके उन्हीं सेट्स को करें पता चले कहीं कोई गलती हो कुछ और सेट टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है और आप अपने आप पे शक किए जा रहे हैं ठीक हाथ हथेली आंगुलियों के संबंधी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं कि कोऑर्डिनेट ही ना कर पा रहे हो हाथ तब भी तो लिखने में समस्या हो सकती है ना मस्तिष्क संबंधी भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं बट इनका एग्जैक्ट पता लगाना उतना संभव नहीं होता तो लेखन संबंधी जो प्रक्रिया है वो है, यानी संबंधी विकार. तो हम समझते हैं, कैलकुलिया मतलब होगा? होगा में में ही होगा हिंदी में तो नहीं करोगे, ठीक तो अगर हम बात करें गणित अंक गणित यानी अर्थमेटिक वगैरह समझने में कठिनाई होगी ऐसे बच्चे को न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है इसको क्योंकि नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है मतलब क्या है नंबर्स तो मान लीजिए बच्चे को वो सिक्सटी नाइन और ट्वेंटी नाइन को एडिशन के लिए, लिए लिखा था बट वो एडिशन उसको गुणा जैसा लग रहा है या इस तरह की और भी समस्याएं कैलकुलेशन रिलेटेड समस्याएं बच्चे के सामने आती हैं आगे बढ़े समझे डिस्थीमिया एक चीज है इसको बस आप ऐसे ही समझ लेंगे क्योंकि सीटेट के लेवल से तो आ, मतलब भरोसा तो खैर अब इनका कुछ भी नहीं है क्योंकि आता तो सिलेबस के ही अंदर है बट डायरेक्टली पूछा नहीं है कभी डिस्थीमिया क्या है गंभीर तनाव काइंड ऑफ अ डिप्रेशन कह सकते हो कि okay. सब कुछ उजड़ा उजड़ा लग रहा है आपको एक चीज होती है यूटोपिया यानी सब अच्छा लगता है और एक चीज है डिस्टोपिया उसी उसी की एक फॉर्म डिस्थीमिया कह सकते हैं का भाई बहन गंभीर तनाव की स्थिति है व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है बहुत ही लो महसूस करेगा अधिकम प्रभावित होगा क्योंकि उसको अच्छा या ठीक महसूस वो अपने आप में कर ही नहीं पा रहा यह है डिस्थीमिया डिसमोर्फिया एक चीज होती है मोर्फिया मतलब अपने ही शरीर की बनावट या जो फिगर है बॉडी का वो उसको अजीब सा नजर आएगा ये है डिसमोर्फिया के लक्षण शरीर उसको अजीब लगता है एक चीज है जो इंक्लूसिव एजुकेशन से ही संबंधित है बाला नॉट शैतान का साला बट इट्स बाला ठीक तो ये <laughs> नहीं करनी है तो बेसिकली याद रखने में आसानी होती है ये सब चीजें सुन के तो जीशान शेख क्या कह रहे हैं भले इनकी सुन ले मैम मैं पढ़ रहा हूं बार बार पर मॉक टेस्ट देने में डर लग रहा है हेल्प करें तो डर के आगे क्या होती है जीत होती है तो एक बार देखी भी देख लो कोई बात नहीं क्या होगा है ना एक बार तो देखे देख ही लेना है मॉक टेस्ट भी तो देखे देख लो इसमें क्या दिक्कत है देखिए तो अगर हम बात करें बाला की तो बाला पेपर में पूछा था और ईवीएस के सेक्शन में भी पूछा जा चुका है जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा है तो इंक्लूसिव एजुकेशन तो किसी भी सब्जेक्ट में सीटेड में पूछी जा सकती है बी ए एल ए बी फॉर बिल्डिंग ए फॉर एज एल फॉर लर्निंग ए फॉर एड ठीक तो बाला क्या है Building as learning aid. बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी जो स्कूल की की इंस्टीट्यूशन होता है आप कोई पिक्चर दिखा दें, है कोई चार्ट ले जाए बना करके कोई मॉडल ले जाए क्लास में आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान अगर बस पेपर देके करने वाली टीचिंग ट्रेनिंग नहीं की है थोड़ा रेगुलर वाली की है तो उसमें लेकर के जाना ही पड़ता है बीटीसी बीएड डीएलएड व तो ये क्या हुआ नहीं तो इसके बारे में लिखा होगा फिर टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं तो एक तरह का लर्निंग एड है और कैसा लर्निंग एड है बिल्डिंग को ही लर्निंग एड बना दिया यानी सहायक सामग्री किसको बना दिया स्कूल की ही बिल्डिंग को कैसे आप देखते हैं आजकल जो फर्श है यानी जो स्कूल का आपका जो फ्लोर है उसको ही यूज कर दिया उस पर गिनतियां लिखी हुई हैं सांप सीढ़ियां खेल रहे हैं बच्चे तो बिल्डिंग को ही आप एक लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं आप पेपर देने जाते हैं कई लोगों के साथ ये होता है सेंटर पे क्लासरूम में अगर स्कूल में किसी सेंटर पड़ा हुआ है तो आपको भारत का मानचित्र बना, बना हुआ मिल जाएगा दीवार पे तो कई लोग तो तो वहीं से टेप देते हैं अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी बिल्डिंग से बच्चा सीख रहा है अगर वो आसपास बिल्डिंग के नजर मारे तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा ठीक है तो बिल्डिंग को लर्निंग एड की तरह जब यूज किया जाए तो उसको हम बाला कहते हैं ठीक आप इस तरह से भी इसमें देख सकते हो कुछ पिक्चर्स को मैंने एड किया है कि जैसे आप देख रहे हैं इस दीवार पे इधर अलग अलग शेप्स बनी हुई है तो बच्चों को पता लगेगा अच्छा ट्राइंगल कौन सा होता है अच्छा पैरेललोग्राम कौन सा होता है रेक्टेंगल कौन सा होता है तो ये बिल्डिंग उसकी नजर भी जाएगी तो दिमाग में सेट हो जाएगा जैसे आप आसपास अगर एक मैप भी लगा लें इंडिया का तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें ठीक है ना तो अगर हम कहें तो नाउन लिखा हुआ है पीछे वर्ब प्रोनाउन एक पेड़ है उस उसपे ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है ना ये वाले मास्टर जी यहां सो रहे हैं बट दैट्स ओके अभी हम कोशिश करते हैं इस पे आ जाएं वापस से तो ये क्या हुआ ये बिल्डिंग को लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं हम एक और उदाहरण हो सकता है कि जो स्कूल की सीढ़ियां हैं वहां पे पहाड़े लिखे हुए हैं तो बच्चा जाते आते उसका ध्यान जाएगा ही और जब हम जितनी बार चीजें देखते हैं हमारी बिल्डिंग ही हमें लर्निंग में अगर सहायता करे तो बिल्डिंग बन जाएगी बाला यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड ठीक है इतनी बात क्लियर है जराफ बना हुआ है कहीं पे कहीं पे कुछ बना हुआ है अब देखो जराफ के साथ अगर बच्चों को अपनी हाइट मेजर करनी है तो आपने क्या कर दिया इस तरह का एक स्केल बनवा दिया और हसी हसी में मजाक मजाक में बच्चा सीख जाएगा यहां खड़े होकर वो अपना हाइट को मेजर कर सकता है तो सीख भी रहा है वो कहीं ना कहीं तो बिल्डिंग क्या बन गई लर्निंग के लिए एक एड बन गई सहायक बन गई सीखने में बिल्डिंग ठीक है बात कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो आप बता सकते हैं नहीं हो तो भी आप बता सकते हैं कोई भी दर्द समस्या बाकी है जैसे स्कूल की दीवारों पर आपने देखा होगा सौर मंडल बनवा दिया तो तो आपको पता है 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 कि यार सोलर सिस्टम ऐसा होता है। ये है, ये अर्थ है, ये है, ये ये नेपच्यून अर्थ फलाना है, सूरज के कौन कितने पास है। तो बच्चा ये बिल्डिंग पे देख करके समझ पा रहा है बिल्डिंग को ही लर्निंग एड के रूप में यूज किया जा रहा है ये बीच में क्लास का बटन है ऑन एंड ऑफ करने वाला ठीक अब एक आरपीडब्ल्यू डी एक्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है इंग्लिश में भी इसको लिखा हुआ है इंग्लिश वाले चक्कर खा के ना गिरें अगर हम बात करें आर एक्ट की तो राइट ऑफ विद एक्ट 2016 जो जून 2017 से जाकर के लागू हुआ था कोई भी भी एक्ट आता बाद में जैसे एनईपी का भी, अगर हम ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो ड्राफ्ट कब आया 2019 में लागू तो भगवान जाने कब होगी और नाम क्या है 2020 है ठीक है जी कोई दिक्कत परेशानी ठीक कोई कह रहा है मैं स्कूल की दीवार पे आपका पिक बनवाऊंगा आपको देखकर बच्चे सिखाएंगे बहुत बढ़िया मनीषा आपको हम क्या कह रहे हैं फनी आज बाला समझ आया हाँ बस बाला नहीं भूलना है अब आपको चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये disability act है एक मिनट रुकिएगा कॉफी आ रही है तुम्हारी नहीं पियो पियो शुगर पियो भर के उसमें चीनी पी लो घर में बना लो कोई बात नहीं गन्ना मिल भेज देते हैं तुम्हें तो वहां से डायरेक्ट खा लेना ना देखो एक बार अगर हम बात करें हम्म देखिएगा देखो टेंथ के परस, परसेंटेज की बात नहीं की है केवीएस वाले एग्जाम में ट्वेल्थ की बात की है। तो आरपीडब्ल्यू एक्ट आया पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी वो व्यक्ति जिनको कोई भी दिव्यांगता या अक्षमता है डिसेबिलिटी है, है उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए इससे पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 1995 में जिसको रिवाइज किया गया 2016 में और 2017 जून से ये लागू हुआ इसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं ये हिंदी में नाम लिखे हुए हैं और एक बार मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू भी समझा दूंगी तो पार्किनसन डिजीज है है और भी चीजें हैं उनको एक एक करके समझेंगे अभी पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं अभी कुछ चीजें हैं जो इस एक्ट में बात हुई है ये कितनी बातें हैं छह बातें हैं जिन पे चर्चा इस एक्ट के तहत हुई है आपको पता होना ही चाहिए ठीक है जी अगर हम बात करें तो ये पीडब्ल्यू एक्ट हुआ करता था एक जमाने में उन्नीस में ठीक जब आप छोटे बच्चे या बच्ची थे ठीक सात डिसेबिलिटी थी कि भाई जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके भी तो अधिकार हैं इधर उधर जाने के इक्वल अपॉर्चुनिटी के एजुकेशन के तो उनके भी अधिकार है उनका भी कि वो भी शादी कर सकें बच्चे कर सकें या फिर प्रॉपर्टीज वो ओन कर सकें उनका एक अधिकार है ये ठीक बहुत सारे ऐसे अधिकारों में चर्चा हुई तो आया में सात थी। अब इसको रिफॉर्म की जरूरत पड़ी एक तो हमारे यहाँ ज़मानों बाद रिफॉर्म्स होते हैं बदलाव की जरूरत होती है आते हैं। किसी भी पॉलिसी में किसी भी व्यक्ति में कमियां होती हैं उसको ठीक किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम तो आरपीडब्ल्यू डी एक्ट दो में ये अपडेट हुआ और दो में तो इसका नाम बन गया राइट ऑफ पर्सन विद डिस ठीक है इसमें चौदह डिसेबिलिटीज एड हो गई और टोटल 21 डिसेबिलिटी हो गई इसमें और और अभी इसमें नोटिफिकेशन लगा करके और disabilities को add किया जा सकता है 2017 में सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर था और 2017 में जून से ये लागू हुआ अब ये कुछ कुछ चीजों के बारे में बात करता है आरपीडब्ल्यू एक्ट जैसे उन्नीस वाले एक्ट में एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं हुई थी बट इसमें हुई थी एक्सेसिबिलिटी क्या है एक डिसेबल्ड व्यक्ति कहीं भी आ जाए या आ जा सकता है पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है चाहे वो मेट्रो है हॉस्पिटल है वहां लिफ्ट या फिर व्हील चेयर या फिर रैंप वगैरह का इस्तेमाल होने की संभावना पूरी पूरी होनी चाहिए वहां व्यवस्था होनी चाहिए बेसिकली कि वो डिसेबल्ड फ्रेंडली जगह बन पाए एक्सेसिबिलिटी हर जगह पर ये लोग आ पाए जा पाए जिनको कोई भी समस्या है आई एम देवयानी केवीएसआर फॉर्म फिल करते वक्त सब्जेक्ट पूछ रहा था तो उसमें क्या फिल करना है मैंने डीएलएड किया हुआ है और डीएलएड में टेन सब्जेक्ट हैं। भर दो सब मेरे को भी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा जो जो सब्जेक्ट उसमें आ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दो बाकी एक बार मैं चेक भी कर लूंगी

जो की वाली जो समस्या है हियरिंग इंपेयर्ड लोग थे लोकोमोटर जिसको चलने पड़ने में दिक्कत होती है मेंटल रिटार्डेशन एमआर जिनको हम कहते हैं कि बिल्कुल आईक्यू जो है ट्वेंटी फाइव वाली स्थिति पे है या मेंटल इलनेस की समस्या है तो ये सारे सात चीजें थी सिर्फ 1995 में लेकिन ये 2016 वाले एक्ट में 21 डिजीजेस उस सारे में डिसेबिलिटीज शामिल हैं

केवीएस दो सीटेट बाइस वालों को इक्विटी मिलनी चाहिए शांत नहीं है तो वाली बात ज्यादा है पे क्योंकि ऐसा एक ही बार हुआ है आज तक और उसमें भी इनकी अपनी गलती थी अब ये साफ साफ कह हैं भैया तुम तो अपनी बी वगैरह कर ही रहे हो ना टाइम से तो इसमें हमारी क्या गलती अगर आप अपियरिंग में हो तो है ना खैर इक्विटी ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ होना चाहिए फिर कोरोना वालों को भी दो साल मिलने चाहिए देखिए देखिएगा अगर हम बात करते हैं हाँ तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जैसे अभी कौन सी मूवी आई थी छपा गई थी ना हाँ तो एसिड अटैक जो सर्वाइवर्स हैं उनको भी इसमें काउंट किया जाए मस्कुलर डिस्ट्रोफी है यदि पार्किसन डिजीज है ये बस एक बार लिस्ट आप देख लीजिएगा तो आपको अपने आप ही समझ में। मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है बड़ी सी बहुत पुरानी है बट समझ में आ जाएगा उसको भी आप देखेंगे तो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है कोई ब्रेन से रिलेटेड और भी इसमें बहुत सारी इस तरह की डिसेबिलिटीज हैं किस डिसेबिलिटीज हैं टोटल अगर हम देखें स्लेरोसिस है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है ऑटिज्म है लो विजन है हियरिंग इंपेयरमेंट है डॉक्सम बोनापन है आई थिंक फीट से या फीट से कम अगर हाइट हमें एक दिन बैच में पढ़ा रही थी तो वो डॉलफेज में आएगा बट इतना डिटेल नहीं बस आपको नाम वगैरह मेन मेन पता है तो सीटेट में काम चल जाएगा उतनी डिटेल में आपको सीटेट के लिए नहीं जाना ठीक और आरटीई एक्ट पे आते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट फिर हम पढ़ेंगे एनसीएफ और फिर हम अपने अपने घर जाएंगे नहीं सीसी भी पढ़ेंगे हम और फिर आप अपने अपने घर जा सकते हैं देखिएगा मतलब कई लोग घर में ही हैं आर एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक अप्रैल 2010 से ये देश में लागू होता है अपवाद है जीएन के बाद में वहां भी लागू हो जाता है I think, एक बार आप इसको चेक कर सौ छत्तीसवा कंट्री बना इंडिया मैडम क्या फोन में ऐसा क्या है जो हमें हम नहीं है बताइए मम्मी मम्मी से चैट कर रही हो देखो तो जो इंडिया है वो एक सौ छत्तीसवीं कंट्री आई थिंक बनी एक बार इसको फैक्ट चेक कर लीजिए हालांकि ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा, बट पता होना चाहिए मान लेते हैं कि भैया बच्चों को एक थर्टीन एज तक अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग है कि इतनी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो में तैयार हुआ लेकिन जो लागू हुआ वो फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी को दो को हुआ नया सेशन शुरू होता है इसके तहत जो आपका संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें परिवर्तन हुआ संशोधन हुआ अमेंडमेंट हुआ वा संविधान संशोधन कहा जाता है दो हजार ए को इंसर्ट किया गया और आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो है उसने कहा कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यानी माँ बाप भी चाहें तो बच्चे के अधिकार को उसके फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लेने को लेने से उसको वंचित नहीं कर सकते माँ बाप का मन क्या? नहीं किया तो दूसरे बच्चों का ध्यान रखो तो ये नहीं हो सकता कि अपने बहन भाई का ध्यान रखो वो भी लीगल नहीं है अगर बाप भी बच्चों का एजुकेशन लेने से रोक रहे हैं तो उसके अधिकार से उसको वंचित कर रहे हैं ठीक है ना बिट्टू यादव क्या कह रहे हैं मैम मेरे टेस्ट बुक पर प्रीवियस ईयर पेपर दिया है उनमें बानवे पचानवे तिरानवे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं क्या मेरा हो जाएगा पेपर हार्ड तो नहीं आएगा सीडीपी में सत्ताईस पैंतीस मिनट सोलह में सोलह ये लास्ट वाली लाइन नहीं समझी मैं बिट्टू यादव बाकी हाँ ठीक है मतलब अगर इतना स्कोर आ रहा है तो वो बढ़ेगा बल्कि फाइनल एग्जाम में और थोड़ा सा ये देखो किस सेक्शन में कम स्कोर कर रहे हो क्या रीजन है जो आप जो भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई है और जो ऑफिशियल पेपर है प्रीवियस उन दोनों के लेवल में कितना अंतर है उससे भी आपको पता लगेगा ऐसा तो नहीं है वहां कुछ और ही पूछा जा रहा है यहाँ कुछ और ही पूछा जा रहा है हालांकि कुछ हद तक ठीक ही मानेंगे ये जो भी वेबसाइट आप बता रहे हैं बट स्टिल मतलब मैंने एक्जैक्टली नहीं देखा बट मेरे पास जो फीडबैक है

छह वर्ष का बच्चा पहली क्लास में बैठेगा तो कक्षा एक से आठ तक सॉरी तो कक्षा एक से आठ तक ये जो आठ साल की फ्री एजुकेशन है और कंपलसरी एजुकेशन है वो बच्चे को मिलनी चाहिए क्लास वन टू एट और हम बच्चे को फेल भी नहीं कर पा रहे थे इस दौरान तो छह से चौदह वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए कंपलसरी एजुकेशन है डिसेबल्ड के, के केस में यदि बच्चा डिसेबल्ड है तो छह से अठारह वर्ष होनी चाहिए ये जो एज ग्रुप है एज के अनुसार नामांकन होगा यानी मान लीजिए एक बच्चा है जो आठ साल का हो गया है वो कभी स्कूल नहीं गया अब आप उसको आठ साल की उम्र में पहली बार स्कूल में क्या करा रहे हैं एनरोल करा, करा रहे हैं माँ बाप ने नहीं भेजा खुद से नहीं गया या दो दिन गया फिर गया ही नहीं तो आप क्या करा रहे हैं एडमिशन दिला रहे हैं बच्चे को एनरोल करा रहे हैं आठ साल की उम्र में तो क्या आप इसको पहली क्लास में एडमिट कराएंगे या फिर इसका एडमिशन आप डायरेक्ट दूसरी और तीसरी में कराएंगे भाई कायदे में तो थर्ड क्लास में ये होना चाहिए आठ साल की उम्र के अनुसार तो अब ये कहता है आर कि एज वाइज होमोजीनियस बन जाएगी क्लास एज वाइज क्या होता है समरूप बन जाएगी क्लास आयु के अनुसार क्योंकि आयु के अनुसार एडमिशन होगा क्लास में अगर मान लीजिए बच्चा दो साल स्कूल नहीं भी जा पाया तो वो टीचर्स की जिम्मेदारी या सिस्टम की जिम्मेदारी उस तरह से प्रिपेयर कराए बच्चे को कि वो बाकी की एजुकेशन कवर कर ले क्योंकि वो प्रोग्नेटिवली तो मिच्योर हुआ ही है ना बेशक वो स्कूल नहीं आया उस दौरान तो एज वाइज आसपास के एनवायरमेंट की एक्टिविटी वाइज सीखा तो है तो पुराने को कवर कराना स्कूल की जिम्मेदारी टीचर की जिम्मेदारी और साथ में अगर आठ साल में आया है तो डायरेक्ट थर्ड में एडमिशन दिलाएंगे एज वाइज क्लास में एडमिशन होगा ना कोई टेस्ट लिया जाएगा बच्चे के लिए ना कोई टीसी मांगी जाएगी ना कुछ और कहा जाएगा चुपचाप से एडमिशन कर लेना किसी का भी अधिकार नहीं है कि बच्चों को किसी भी आधार पे एडमिशन स्कूल में ना दे ऐसा कहता है आरटीई ठीक है एक चीज है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है कमजोर वर्ग है उनको भी पच्चीस परसेंट स्कूल्स भी हैं तो वहां पर कोटा दिया जाए रिजर्वेशन दिया जाए कि वहां पर 25 बच्चे जो हैं वो पच्चीस कैटेगरी के पढ़ पाए इसका भी गलत इस्तेमाल होते हुए हम कई बार देखते हैं और कई बार सही भी चीजें इससे बेनिफिट मिल पाता है ईडब्ल्यू वाले बच्चों को अब आर के अंदर कुछ चीजें बैन है अगर हम देखें जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे को मुर्गा या मुर्गी आप नहीं बना पाएंगे आंखें नहीं दिखा पाएंगे पीट नहीं पाएंगे अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे आप नहीं निकाल पाएंगे अगर कंप्लेट हो गई तो जान बचानी भारी हो जाएगी आई I मीन mean, नौकरी बचानी भारी हो जाएगी बहुत जगह पे आज भी ये चीजें चलती हैं बट धीरे धीरे मैं और आप या जो भी नवीन च, चिंतन वाले लोग हैं वो इन चीजों को अप्लाई करेंगे क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनती है तो बहुत विद्वान लोग बैठ करके इस पर दिमाग लगा करके बनाते हैं और बाहर की कंट्रीज में पहले ये चीजें अप्लाई हो चुकी होती हैं फिर जाकर के यहां आती हैं और कई बार हम भी कुछ नया सोच लेते हैं तो बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देनी है नैनी नो कारपोरल पनिशमेंट नो मुर्गा मुर्गी बनाना और नो आंखें दिखाना आप प्रताड़ित नहीं करेंगे बच्चों को क्योंकि उससे क्या होता है सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाती हैं कि मेरे अंदर भी कोई क्षमता है नाकारा हम पहले ही घोषित कर देते हैं बच्चे को जबकि हार चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कह रही है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कह रही है कि बच्चा तो क्यूरियस है क्रिएटिव है लर्निंग एबिलिटी रखता है और हम इन तीनों की बैंड बजा देते हैं ठीक है ना बहुत बढ़िया उम्र के अनुसार सीधा नामांकन कोई टेस्ट नहीं यानी एज वाइज होमोजीनियस जैसी एज है बच्चा जिस भी एज में आया है छह से चौदह वर्ष के बीच में उसको आप एनरोल करा देंगे उसको उस एज में मान लीजिए चौदह वर्ष का है तो सीधा आठवीं क्लास में आप एडमिशन कराएंगे एडमिशन फीस जैसी कोई चीज नहीं है टेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है जो भी गवर्नमेंट टीचर्स है उनको प्राइवेट ट्यूशन में संलग्न नहीं रहना है इधर उधर से कमाई नहीं करनी है आधे तो आजकल यूट्यूब पे मिल जाएंगे है ना और बहुत ही खुशी खुशी ये बात बताते हुए बट बत ये क्या है गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन या कोई भी ऐसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम कोई बहुत ही बेहतर बात इसमें नहीं कही गई है तो प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है तो नाम बदल के पढ़ाते हैं बहुत सारे तो गवर्नमेंट टीचर्स बहुत बहुत सारी तरह तरह की चीजें करते हैं कोई किसी और के अकाउंट में पैसा ले रहा है कुछ हो रहा है तो सत्तर तरीक सैकड़ों तरीके तो ऐसा लोग करते हैं आ, बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है यानी आपका जो स्कूल है वो रिकोगनाइज होना चाहिए तभी आप देखते हैं स्कूल के पीछे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि सीबीएसई रिकनाइज है या फिर आईसीएससी भी बोर्ड से रिकग्नाइज होगा प्रॉपर बिना मान्यता और आपके जो टीचर्स हैं वो भी सर्टिफाइड होने चाहिए ठीक है आगे बढ़िए हमें मौका मिला तो हम तो कह दिए तो भाई हमको नहीं चाहिए हमको यूट्यूब से ही कमा लेना तो हमको नहीं चाहिए सरकार का पैसा देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे देखते हैं अगर हम बात करें तो ये कुछ कुछ चीजों को प्रोहिबिट करता है वो क्या है है समझते हैं हैं मेरा मैथ्स नहीं हो पा रहा है। प्लीज करियर विल हूं, प्लीज मैम पे कुछ बता दीजिए और मिला इतना अच्छा पढ़ाते उदय सर इतना अच्छा फीडबैक है हमें जो टॉपर्स भी आते हैं इंटरव्यूज वगैरह में वो सब बहुत ही प्यारी प्यारा फीडबैक देते हैं इवन सभी टीचर्स के बारे में तो और मिला एक तो मैथ्स पढ़ लीजिए वो पंद्रह नंबर वाला उदय सर से पेडागोजी मैं करा दूंगी मतलब अभी मैराथन सेशन आएगा उतना भी कर लेना या जो सेट कराया हुआ है उसको थोड़ा देख लो तो हो जाएगा थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा देखिएगा आप समझते हैं हम ये क्या प्रोहिबिट करता है फिजिकल और मेंटल हेरेसमेंट बच्चों को आप तंग नहीं करेंगे कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा कि माँ बाप का टेस्ट अलग हो रहा है बच्चे का टेस्ट अलग हो रहा है ऐसा प्राइवेट स्कूल्स में बहुत जगह पे होता है अभी भी कैपिटेशन फी fee, कोई फीस की जरूरत नहीं है फ्री है एजुकेशन कंपलसरी है प्राइवेट ट्यूशन टीचर्स को नहीं देने हैं रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकोग्नेशन तो बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद हो जाना चाहिए और अगर क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है तो उनको भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं बट यहाँ क्वालिफिकेशन का कोई अंत नहीं है है ना हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हिल जाता है तब जाकर फिर आप कोचिंग्स में आते हैं अदरवाइज तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं सीटेट सीट क्या आपने टीचिंग ट्रेनिंग में नहीं पढ़ा होगा है ना और मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स हैं अगर देखा जाए तो है ना यहाँ तो एक प्राइमरी का भी अगर कोई नौकरी ले ले बीस साल पहले भी वो भी कहेगा कि नहीं अब मैं क्वालिफाइड हूँ पढ़ाने के लिए बट जहाँ से आप पढ़ के आ रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन से चाहे वो बी है डी है बी है अलग अलग तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज आप करके आते हैं वहां एमएड से लेके एम तक अलग अलग तरह के प्रोफेसर हैं तो वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं देखा जाए वो सिस्टम फेल हो रहा है कि हम उस तरह के एजुकेशन नहीं दे पा रहे कि फिर बाद में हमें आकर के कोचिंग्स लेनी पड़ रहे हैं और आ, कोई एक व्यक्ति सामने निकल करके आ रहा है जो ज्यादा मेहनत हमारे साथ कर पा रहा है उस एग्जाम को लेकर के हमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझा पा रहा है तो कहीं ना कहीं डिग्रीज और सिस्टम फेल होता है फिर इस तरह की संस्थाएं निकल करके आती खैर आते हैं प्राइवेट स्कूल्स में बीपीएल या ब्लो बोवेट लाइन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ट्वेंटी अच्छा ये याद रखियेगा प्यूपिल टीचर रेशो जो है थर्टी रेशो वन है यानी तीस बच्चों पे एक टीचर ये है प्यूपिल टीचर रेशो यानी शिक्षार्थी और शिक्षक रेशो जो है यानी जहां तीस बच्चों की संख्या है तो एक टीचर साठ बच्चे हैं तो दो टीचर नब्बे बच्चे हैं तो तीन टीचर अगर एक डेढ़ सौ बच्चे हैं डेढ़ सौ से ऊपर हैं डेढ़ सौ हैं तो चार टीचर प्लस एक प्रधान अध्यापक या अध्यापिका प्रिंसिपल भी होने चाहिए ठीक है अगर हम बात करें प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से एक किलोमीटर के दायरे में वह उच्च प्राथमिक यानी जो प्राइमरी स्कूल है वन टू फाइव का वो एक किलोमीटर के आसपास होना चाहिए आपके घर के जो एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल है सिक्स टू एथ के लिए वो तीन किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए ठीक फर्स्ट टू फिफ्थ वाला एक किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए ठीक यानी ये है बच्चे का घर बच्चे के घर से एक किलोमीटर पर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल और तीन किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए क्या मिडिल स्कूल सिक्स टू एट्थ वाला तीन किलोमीटर के दायरे में ये बात कही गई गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे ज्यादातर अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ने की तो कक्षा एक से पांच में 200 वर्किंग डेज होने चाहिए यानी 200 दिन स्कूल खुलना चाहिए कक्षा छ से आठ में 220 दिन स्कूल खुलना चाहिए सारी छुट्टियां हटा के हाँ जो टोटल वर्किंग डेज निकल गया है एटलीस्ट दो दिन स्कूल खुले इसके अलावा अगर हम कह रहे हैं तो ये कहता है पैंतालीस घंटे 45, 45 आवर्स एक हफ्ते में काम करना एक सप्ताह में टीचर को जिसमें प्रेपरेटरी या लेसन प्लानिंग के घंटे जो हैं वो इंक्लूडेड हैं ये डी प्लस से लेके सब जगह पे पूछा जा चुका है प्रेपरेटरी आवर्स जो हैं वो इंक्लूडेड है कहां पर कहां पर इंक्लूडेड है इन पैंतालीस घंटों में एक सप्ताह के हिसाब से लगभग छह से सात घंटे जो है एक टीचर को काम करना है चलिए आगे बढ़ते हैं जो फर्स्ट टू फिफ्थ का टीचर है वो प्राइमरी टीचर कहलाता है 6th to 10th को हम टीचर कह देते हैं कई है। है, बार हम घबरा जाते हैं तो ये एक बेसिक बात हुई और प्राइमरी uh, लेवल पे थर्टी रेशो वन होना चाहिए यानी तीस बच्चों पे एक शिक्षक अगर एलिमेंट्री uh, लेवल है सिक्स टू एट्थ का तो पैंतीस बच्चों पर क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो ज्यादा बच्चे भी शांत बैठ जाते हैं जैसे आप तो बाईस uh, तेईस बत्तीस हजार भी लोग शांति बैठे रहते हैं ठीक तो अगर हम बात करें तो ये सिक्स टू एट के लिए पैंतीस रेशो एक प्राइमरी के लिए वन टू फाइव के लिए तीस रेशो एक नाइन टेंथ सेकेंडरी लेवल है इलेवन ट्वेल्थ को सीनियर सेकेंडरी कहते हैं ये तो एक डिफरेंट तरीके की बात हो गई अगर बच्चे डेढ़ से ऊपर है तो चार टीचर और एक प्रिंसिपल होना जरूरी है एनसीएफ पे आ जाते हैं ये मुख्य बातें थी आर की बाकी इसमें आठ सेक्शंस हैं जिनमें अलग अलग बात हुई है बट वो सब महत्वपूर्ण सीलेट के लिए नहीं है आज तक तो पूछ नहीं गए देखिएगा अब समझते हैं एनसीएफ की कहानी एनसीएफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ऐसा डॉक्यूमेंट है एक एनसीएफ हाँ सुनो तुम क्या कह रही हो पेपर. पेपर का डॉक्यूमेंट है नशा कह रही है लॉजिक है ना दुनिया में अलग एकदम लॉजिक देखिएगा तो एनसीएफ एक पेपर का डॉक्यूमेंट नहीं है गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है तो अगर हम एनसीएफ की बात करें तो ये एनसीआरटी का डॉक्यूमेंट है पेपर का नहीं पेपर में प्रिंट निकाला गया है बाद में तो एनसीएफ की अगर हम बात करें एनसीएफ 2005, तो एक डॉक्यूमेंट है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी पूरे देश के लिए राष्ट्र के लिए करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि किस तरह की एक्टिविटीज स्कूल में होनी चाहिए कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाना चाहिए कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाना चाहिए किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए पीस एजुकेशन होनी चाहिए मैथ्स होनी चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए दुनिया भर की रिकमेंडेशन इसमें है सेंट्रल स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन रेफर टू एज क्यों नहीं होता अरे बहुत ड्रामे शांतरु Uh, हम असफल हो जाते हैं एज अ सिस्टम और एज सिटीजन जो चीजें डॉक्यूमेंट्स में होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में तभी तो आप देख रहे हैं ना थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अभी uh, एक वाक्य याद आ गया बट बता नहीं सकती तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला कब से हम बात कर रहे हैं 64 से 1964 से और आज तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है अरे इसको ढो लो अभी भी मतलब ढोते रहो एनसीएफ उससे पहले कह रहा था उसके बाद लर्निंग विदाउट बर्डन से उस टाइम पे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई वो अलग कह रही थी सब तो कह ही रहे हैं कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को अप्लाई कर लो हो कहां पा रहा है तो कुछ हद तक हो पा रहे हैं कुछ हद तक नहीं हो पा रहा बहुत बड़ा देश है तो बहुत सारी तो पॉलिसी ट्वेंटी में जो जमानों से कह रहे हैं हम कर लो, कर लो बट हो नहीं पा रहे तो एनसीएफ दो एक डॉक्यूमेंट है जिसको एनसीआर ने प्रिपेयर किया नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1963 दिल्ली में हेडक्वार्टर है जो एजुकेशन में रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए एक काउंसिल है एनसीईआरटी हम सभी जानते हैं किताबें पढ़ते हैं आप एनसीआरटी की ऑथेंटिक बुक्स होती हैं एकदम तो अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर्ड है क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन में वर्क करता है एक एनसीएफ होता है एनसीएफ टीई टीचर एजुकेशन के लिए दो हजार नौ में आया था और इसको एनसी प्रिपेयर करती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन तो ये एक डिफरेंट चीज होगी इस पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एनसीएफ दो हजार पांच और अभी एक नया एनसीएफ भी आया बट मुझे तो अभी से उसको है को कोई खास फायदा है, नहीं तो एनसीएफ की जब हम बात करें तो एनसीआर ने प्रिपेयर किया है ये फोर्थ एनसीएफ है सबसे पहले उन्नीस में आया एनसीएफ फिर नाइनटीन बताओ कौन सी ईयर में आया मुझे क्या पता है सतन नाइनटीन एटी एट एक हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है 1988 ईयर और 2005 ठीक ये फोर्थ एनसीएफ था आपका ने किया ऑफ कोर्स तो में आया फिर 1988 में आया फिर ईयर 2000 में आया और ईयर 2005 में आया तो हम 2005 जो इसी को अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं लगभग हर जगह तो ये तो ये हमें ध्यान रखना है फोर्थ एनसीएफ है एनसीआर के द्वारा प्रिपेयर है बाईस भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ यानी जो 22 भाषाएं हैं 22 टू लैंग्वेजेस हैं उनमें इसको ट्रांसलेट करके अलग अलग तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन ला पाए से डिजाइन कर पाए प्रोफेसर यशपाल इसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसको नेशनल स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में चेयरपर्सन थे इसके कौन प्रोफेसर यशपाल ठीक है चेयरमैन कहने से बचेंगे जेंडर बायसनेस हो जाएगी एनसीएफ दो को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया एक कमेटी थी अगेन नेशनल स्टीयरिंग स्टीयरिंग कमेटी कमेटी उसके ये हेड थे नेशनल और इसमें एक बात होती है मैंने अलग से अगर एक सेशन लिया हुआ होगा इस पर एक बार देखना रविन्द्रनाथ टैगोर का एक ऐसे था जिस पे ये पूरा बेस किया गया फिर एक रिपोर्ट आई थी उन्नीस सौ बानवे तिरानवे में लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के उससे भी प्रभावित हुआ ये आठवीं अनुसूची में जो हमारी एट्थ स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बाईस भाषाएं हैं बाईस की बाईस भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया इसमें कहा गया कि जो पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना होनी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ना हो जो लर्निंग है टेक्स्ट बुक को सब कुछ ना माने एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके होने चाहिए जो लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है जहां टीचर भी एक्टिव है जहां बच्चा भी एक्टिव है जग और मग मॉडल को फॉलो ना करे जग एंड मग क्या होता है भाई कि जग एक बड़ा सा टीचर है और मग एक छोटा सा बच्चा है जिसमें भर देंगे आप सब कुछ जो मैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपको दिखाती हूँ वो नहीं होना चाहिए टीचर और बच्चे दोनों मिल करके एक्टिविटी करके पैसे कोई नहीं है एक्टिव है और लर्निंग को क्रिएट कर रहे हैं ये कहता है एनसीएफ इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि किस पे बेस्ड है पिक में करेक्शन मांगा था वो मैंने कर दिया था या नहीं और प्लीज बेस्ट विशेष बेस्ट विशेष तो है ही साहब एक बार वो ओपन करके देख लो ना एप्लीकेशन या कुछ अगर आपको रिजेक्शन मिला है कोई मेल आया है नहीं तो इनको मेल कर दो इन्होंने की मेल आई दिया दिया है सीबीएसई वालों ने जाके विजिट कर लो ये आपके एंड में थोड़ी सी जिम्मेदारी बन जाएगी इस चीज की अगर फेल नहीं हुआ है तो फिर तो हो ही जाएगा एनसीएफ दो में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है बेस्ड है किस पे कंस्ट्रक्टिविज्म पे पे रचनावाद पे। वही रचनावाद वही जिसको प्याजे और वाइगॉफ की बिलोंग करते हैं ब्रूनर बिलोंग करते हैं यानी जो बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करता है यानी बच्चा क्या है सक्रिय है ज्ञान का निर्माता है है ना सोसाइटी हो या प्याजे के अनुसार फिजिकल एनवायरमेंट हो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है टीचर क्या है फैसिलिटेटर है सुविधा दाता है, है ना टीचर वो नहीं है एक एक गार्डनर की तरह है जो फैसिलिटेट करे जहां जरूरत हो वो अवेलेबल हो बच्चों को बूस्ट करे टीचर भी एक्टिव बच्चा भी एक्टिव ऐसा नहीं टीचर का रोल नहीं है टीचर का क्या रोल है फैसिलिटेटर का का सुविधादाता तो जैसे एक पौधा आप लगाते हैं तो उस पौधे में दुनिया भर का पानी एक ही दिन में डाल देते सारी सनलाइट एक ही दिन में नहीं दे देते खींच के बड़ा नहीं कर देते इसी तरह से बच्चों को आप माहौल देते हैं तो फैसिलिटेट करते हैं माहौल तैयार करेगा टीचर डिक्टेटर नहीं होगा अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य है बहु भाषावाद होना चाहिए यानी मल्टीलैंग्वलिज एक मल्टीलैंग्वल कंट्री में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इंग्लिश क्या है एक ग्लोबल लैंग्वेज है ऐसा हम कह रहे हैं दूसरा सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश एज अ नॉर्मल इसमें दो चीजें आती है मैंने बहुत पहले कई बार डिस्कस कर चुकी हूं कि अगर आपसे मल्टीलिंगुअल कंट्री पूछा जाए तो आप कहेंगे ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश और अगर आप ये कहें कि सेकेंड लैंग्वेज के रूप में वैसे हम इंग्लिश को पढ़ते हैं क्योंकि मातृभाषा तो है नहीं हमारी तो ये दोनों ही बातें सही होती है उस तो पर बहुत विवाद रहता था लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करेगा कि बच्चा करके सीखे और बहु एक से अधिक भाषाएं बच्चा सीख पाए चाहे वो अंग्रेजी हो या गाइडिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स कौन से एक तो लाइफ आउटसाइड द स्कूल यानी जो बच्चा है उसकी बाहर की जीवन से जोड़िए ज्ञान को जो वो रियल दुनिया में सीखता है वैसे एग्जाम्पल्स दीजिए ठीक और अगर हम बात करें रोड लर्निंग से

हिंदी अगर इंग्लिश अगर यदि मैं प्रयोग कर रही हूं अभी मेरी स्पीड भी मैंने थोड़ी कम कर दी अगर आप करियर पे देखेंगे थोड़ा डिटेल में चलते हैं रुक रुक के चलते हैं प्रॉपर समझते हैं क्योंकि डेली क्लास होती है समय बहुत है तो उस केस में तो मेरी कोशिश रहती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ पाए लेकिन आप एक डेमो लेक्चर लेकर देख लीजिएगा अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप प्लीज वहां एनरोल ना करें क्योंकि इस चक्कर में कई लोगों में डर है बस हिंदी और इंग्लिश का अदरवाइज नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में ही समझ रहे हैं हम जैसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको हमें इंग्लिश में ही पढ़ना होता है चाहे आप हिंदी मीडियम के भी हैं तब भी तो वही भाषा रहेगी जिस तरह से मैं पढ़ाती हूं, थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों का ही कोशिश तो ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो पाए ठीक है ना तो अभी एक सेशन होगा बारह या तेरह को मैं एक सेशन लूंगी तो उसी तरह से फिर आपको आइडिया लग जाएगा कैसे पढ़ाई होने वाली है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दो के मुख्य उद्देश्य वही के ज्ञान जो स्कूल में क्लास में पढ़ रहे हैं उसको बाहर के जीवन से जोड़े रटन प्रणाली से दूर करें मुक्त करें पाठ्यचर्या चर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो एक्टिविटी सेंटर्ड हो जो लर्निंग है विभिन्न तो प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी पैदा हो जो नेशन के लिए एक रिसोर्स या एसेट का, का काम करें तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें अगर इन पांच बातों को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका एनसीएफ का क्वेश्चन गलत नहीं होता और ये शिक्षा बिना बोझ के आभार की लर्निंग विदाउट बर्डन नाइन की रिपोर्ट थी जिसपे बेस्ड था एनसीएफ ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे पोर्टफोलियो अब ये सीसीई की बात होगी एक मिनट में समझा के और निकल जाएंगे हम लास्ट टॉपिक है फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी और इसी बात पे आप लाइक शेयर कर दीजिए अगर भूल गए हो ना भी भूलें वैसे मुझे खुद जब पढ़ाने की बात होती है तो ये सब याद रहता नहीं है शांतनु क्या कह रहे हैं बिग हार्ट मैम आफ्टर केवीएस पीआरटी सिलेक्शन इट्स माय ड्रीम टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑन इंटरव्यू विद यू शांतनु बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी सबका इंटरव्यू हम नहीं ले पाते हैं बट बिल्कुल कोशिश रहेगी आपकी स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग है या आप दो चार बार मेल कर देते हैं सही समय पे तो कोशिश रहती है और कि हम सेशन ले पाए यह एक फॉर्म भी फिल करने का ऑप्शन होता है उस टाइम पे अब लास्ट टॉपिक है आज का और शांतनु एक कोर्स की फीस आपने आज सुपर चैट कर सुपरचे बहा दी है थोड़ा पैसे को बचा के रखो यार है ऐसी तो क्या ही बात हो गई बहुत पैसा है जिंदगी कम, कम है जिंदगी क्या क्या बोलती थी जिंदगी कम पैसा बहुत, बहुत समथिंग समथिंग ही कुछ होता था है ना एक डायलॉग होता था कॉलेज के टाइम पे पैसा होता नहीं था सच में तब है पैसा बहुत जिंदगी कम हाँ ये होता था खैर छोड़िए ये सब बातें हंसी मजाक की हैं आ जाइए इधर वापस से देखिएगा समझते हैं कोई कह रहा है कोई मुझे दे दो शॉपिंग करना है नहीं समझना फिर तो ठीक है उनको ही कर दो तो आपकी शॉपिंग पे हम पैसे वर्थ नहीं कराएंगे चलिए सीसी पढ़ते हैं दो मिनट में और निपटा देंगे के बारे में हमने एनईपी में बहुत बात की है उसी से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई बातें हैं सीसी सीबीएसई सी ने लागू किया 2009 हजार के आसपास की बात है और जब ये ग्रेडिंग सिस्टम जीपीए सिस्टम आया सीसी क्या है इसमें तीन चीजें हैं सीसी में इसको ऐसे समझेंगे अपने नोमिक के फॉर्म में ही जो स्टाइल अपना है बाबूराव वाला कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूशन कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस को हम क्या कहते हैं सतत सतत कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव का सिंपल मतलब होता है व्यापक, ठीक है जी व्यापक क्लियर है अगर हम बात करते हैं करवाली बेज्जती हो गई खुशियत कोई तो कह रहा है आपस में एक दूसरे को कहते रहते हैं कि वैसे का फ्री क्लास चलाइए यार मैं आपको तरीके सारे बता दूंगी लेकिन बीच में सीटेट है तो या तो एंड में मैराथन वो पाई तो अभी से वादे नहीं करूंगी पता चले मैं उस टाइम पे व्यस्त हो गई बट हाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरपूर हो जाएगी और बहुत ज्यादातर अगर आपको करना है ना तो ज्यादातर चीजें फ्री मिल जाएंगी आपको चैनल पे ढाई हजार के आसपास वीडियोस हैं इतना फ्री पढ़ाया है जब फ्री की बात नहीं होती थी ना टीचिंग एग्जाम्स में तब से फ्री चल रहा है तो आप अगर सच में आपको दिक्कत है तो या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मैंने कुछ लोगों को फ्री भी एक्सेस दिलाया है कोर्स का जिनको एक्सट्रीमली दिक्कत है झूठी बातें मत करिएगा क्योंकि वो फिर एक गलत चीज हो जाएगी पूरी टीम लगी हुई होती है पूरा सर्वर से लेके नोट से लेके दुनिया भर की चीजें तैयार होती हैं मैं आपको अकेले बहुत कुछ करा सकता हूँ बट बाकी लोगों के एक्सपेंस पे नहीं तो अगर सच में दिक्कत है तो आप मेल कर दीजिए मैं फ्री एक्सेस भी दिला दिलाया है कई लोगों को उसके अलावा अगर उतना भी नहीं है और YouTube से ही पढ़ना है तो इतना कराया हुआ है कि आप ढूंढ ढूंढ के चैप्टर्स पुराने वीडियो से निकाल निकाल के ज्यादातर चीजें कवर हो जाएंगी कुछ परसेंट अगर रह जाता है तो वो नया होगा उसके लिए मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगी कहा से पढ़ना है और अगर फिर भी पैटागॉजी पढ़ना है तो पैडोगॉजी स्पेशल बैच के वीसली आया हुआ है एट का बैच है साढ़े सोलह सौ रुपए फीस है एग्जाम के फॉर्म भरने की आज ही मुझे किसी ने बताया बैच में कि वो पंद्रह सौ रुपये लेकर के गई थी अपनी मदर के साथ अर्चना नाम था उनका और उसमें टैक्स वैक्स लग जाता है फिर पेपर जो आपका फाइनल पेमेंट होता है तो वो साढ़े सोलह सौ सो रुपए में फॉर्म भरा गया वो बैंक पे डिपेंड करेगा कितनी कितनी फीस है किस बैंक की केवीएस का तो फॉर्म भरने के पैसे साढ़े सोलह सौ सो है बैच, आठ सौ और दो हजार में मिल रहे हैं जिसमें दस दस बारह बारह टीचर नोट्स और दुनिया भर की चीजें हैं ठीक चलिए समझते हैं तो इवेल्यूएशन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव अब बीच में मत बोलेगा लास्ट में बातें करेंगे कॉन्टिन्यूस एंड तुम्हें मैं क्या लगा तुम्हें बोल रही हूँ सतत एवं इंसान को पता होता है अपने लक्षणों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यापक का मतलब क्या है यानी सभी पक्षों में सभी पहलुओं में ठीक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है होलिस्टिक होलिस्टिक में क्या आ गया सर्वांगीण जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं आपने अपने बी एड में डीएलएड में हर सब्जेक्ट में पढ़ाया बोर हो जाते थे पढ़ पढ़ के ईवीएस में भी यही लिख के आना है सी में भी यही लिख के आना है मैथ्स में भी यही लिख के आना है ऐसा टॉपिक है जो सब में कॉमन है और आज आप सीडट में देखते हैं सभी में कॉमन आता ही है तो अगर हम बात करें होलिस्टिक की तो इसमें एक होता है स्कोलैस्टिक पक्ष यानी शैक्षिक पक्ष जो पेन और पेपर से संबंधित है स्कोलैस्टिक आस्पेक्ट जिसको हम शैक्षिक पक्ष कह रहे हैं जिसमें पेन पेपर टेस्ट होगा ना मेमोरी बेस्ड चीजें भी होंगी मैथ से जो भी है और दूसरा है आपका को स्कोलिस्टिक पक्ष को स्कोलिस्टिक पक्ष को स्कोलिस्टिक यानी सह शैक्षिक पक्ष सह शैक्षिक पक्ष ठीक अब को स्कोलिस्टिक क्या है भाई जितने भी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज है ना स्कोलिस्टिक मतलब पढ़ना लिखना कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं

संडे दे विल बी डब्ल्यू बी टैट प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स मैम ऑल द बेस्ट भाई आप सभी को जितने भी लोग वेस्ट बंगाल से हैं मैं सारे सब्जेक्ट मैराथन यानी नहीं ले पाई बट आप प्रीवियस मैराथन प्लीज देख करके जाइएगा उस केस में आपको हेल्प मिल जाएगी ना फॉर जो नोट्स दिए हैं ठीक अगर हम बात करें स्कोलस्टिक प्लस को स्कोलस्टिक मिलकर होलिस्टिक बनता है सर्वांगीण बनता है 360 डिग्री बनता है तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ सभी पक्षों से है ऑल एस्पेक्ट से है कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि लगातार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही आप बच्चे का आकलन करते रहे आकलन या मूल्यांकन की जरूरत क्या होती है कि आपको फीडबैक मिले कि जो आप पढ़ा रहे हैं जो आप सिखा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं क्या वो काम का है उसके ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हो पा रहे हैं इवेल्युएशन का ही एक भाग है इवेल्युएशन का क्या है हिस्सा है मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देती हूँ असेसमेंट आकलन क्या है जस्ट एक पार्ट है इवेल्युएशन का असेसमेंट यानी आकलन तो आकलन एक हिस्सा है मूल्यांकन का आकलन हम फीडबैक की तरह यूज करते हैं अभी असेसमेंट फॉर लर्निंग एज लर्निंग ऑफ लर्निंग पे भी आएंगे और इवेल्यूएशन एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर समाहित हो जाता है असेसमेंट तो असेसमेंट जनरली हम देखते हैं फीडबैक के लिए होता है फीडबैक के लिए होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है कहां आपको बदलाव की जरूरत है कहां बेहतरी कर सकते हैं किन मेथड्स में परिवर्तन की जरूरत है ये सब आकलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ लिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये होता है ठीक है तो ये सब क्या है ये आकलन फीडबैक के लिए ये ध्यान रखेगा, आप फीडबैक के लिए ले रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं साहिबा ठीक से सबमिट हो गया था तो अगर टाइम से नहीं आया एडमिट कार्ड तो पहुंच जाएगा सीबीएसई या उनको मेल लिख दीजिएगा अरे अगर नहीं होगा ना शांतनुबीएस में अगर सिलेक्शन हो गया तो सभी को दिल्ली में शानदार पार्टी भले टॉप ना कर पाए तो शांत रुप मेहनत करिए अगर जैसा शब्द हट जाएगा फिर अगर हम इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं तो इवेलुएशन में असेसमेंट भी शामिल है तो इसमें जजमेंट प्लस इंप्रूवमेंट या फीडबैक दोनों शामिल होते हैं अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि आप बच्चे का जो आकलन करते हैं उसको टेस्ट करते हैं इसलिए कभी नहीं करते कि लेबल करें उस पर ठप्पा लगाए ये पुअर है ये बिल्कुल खराब है पढ़ने में ये एक्सीलेंट है ये इतने परसेंट लाता है ये नहीं करना है फीडबैक के लिए इंप्रूवमेंट के लिए हमें कोशिश करनी है जजमेंट के लिए वैल्यूएशन में जजमेंट भी शामिल है इंप्रूवमेंट भी शामिल है इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं लेकिन जनरली कभी भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि के लिए वैल्युएशन की बात भी करें वो इंक्लूडेड है उस चीज में में अब असेसमेंट भी हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं चीजें असेसमेंट को भी दो प्रकार में बांटा हुआ है एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट दूसरा है एफ ए बोल रहे हैं रचनात्मक आकलन और दूसरा है समेटिव असेसमेंट जिसको हम योगात्मक आकलन बोल रहे हैं जनरली जो इनकी अब तो वैसे टर्म वन टर्म टू आ गए बट आपका पेपर अभी भी यही कह रहा है कि परसेंट जो है वो वैल्यू है एस ए वन और एस ए टू की और एफ ए जो चार होते हैं साल में उनकी वैल्यू है दस दस परसेंट के हिसाब से चालीस परसेंट ठीक है इसमें ये फीडबैक के लिए लिया जाएगा और वो जजमेंट के लिए लिया जाएगा जो एफ ए है वो फीडबैक के लिए रचनात्मक का मतलब यह फीडबैक इंप्रूवमेंट इन सब के लिए एस ए जो है वो जजमेंट

असेसमेंट असेसमेंट यानी आकलन सीखने के लिए आकलन सीखने का आकलन और देखिए ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन पहले लिखेंगे एज लर्निंग यानी सीखने के साथ आकलन टाइम बताना ठीक है ओके फॉर लर्निंग यानी के लिए ऑफ लर्निंग यानी का आकलन यानी बाद में होगा ऑफ ठीक तो एज लर्निंग की जब भी बात होती है एज का मतलब ये सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट यानी या तो बच्चा स्वयं का आकलन खुद कर रहा होगा या फिर पीयर्स यानी उसके जो साथी समूह है जो अभी आपकी एन भी कह रही है यही बात रिपीट होती है सब जगह जो सहपाठी हैं उसके क्लासमेट्स हैं वो एक दूसरे की नोटबुक चेक कर रहे हैं हुआ, ये भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग होता है यानी जब टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है तभी क्लासेस में इधर उधर जब भी एक्टिविटी चल रही है उसी दौरान होगा उधर सर की क्लास है ग्यारह से एक संडे को ऑफलाइन आप बिल्कुल आ सकते हैं उनका सर खा सकते हैं आई I मीन mean, उनसे कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं है ना कंचन मेरी एक से चार है और उनकी कितने से कितने हैं ग्यारह से एक ठीक है चलिए और समझते हैं फॉर लर्निंग क्या कहानी है भाई आप सारे डाउट्स अपने लेके आ सकते हैं सीटेट के रिगार्डिंग फॉर लर्निंग बस उठ के नहीं आना है सीट से क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो जाता है <laughs> कोशिश करनी है वहीं से पूछ लेना माइक दे देंगे आपको फॉर के लिए फॉर लर्निंग क्या है भाई पॉड लर्निंग है ये भी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही होगा ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टी एल यानी क्लासरूम में चल रही है पढ़ाई और ये उसी के लिए होगा फीडबैक के लिए होगा इंप्रूवमेंट के लिए होगा अगेन इसमें टीचर और लर्नर दोनों आ सकते हैं यानी टीचर भी शामिल हो सकता है और लर्नर भी जहां जरूरत पड़े इसमें क्या होता है मान लीजिए आपकी क्लास

फीडबैक से ज्यादा भाई आपका अगर पेपर सीटेट का फाइनल हो गया जिस दिन आप दे करके आ गए तो ऑफ लर्निंग हो गया ना आज तक की जितनी लर्नि लर्निंग थी सब पता लग जाएगा रिजल्ट आ जाएगा बात खत्म उनको नहीं फर्क पड़ता कैसे सीखा तो कैसे सीखा फॉर लर्निंग और एज लर्निंग में ध्यान दिया जाता है जैसे आप अभी सीख रहे हैं आपका कोई डाउट है आपने पोल में गलत जवाब दे दिया दुनिया तो खत्म नहीं हो रही फीडबैक के लिए है फॉर लर्निंग है मैंने आपसे बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया फॉर लर्निंग है आप खुद से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं एज लर्निंग है लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए जब पूछा जा रहा है फाइनल पेपर है जजमेंट के लिए है इतने परसेंट नंबर दिया जाएगा तो वो एस से है ये पेन पेपर टेस्ट होगा बाकी जो है फॉर और एज ये एक्टिविटी बेस्ड होंगे है ना ये पेपर पेंसिल टेस्ट जिसको हम कहते हैं एस से पेपर पेंसिल टेस्ट होगा किसी को इसके रिगार्डिंग कोई हैं, वो यही है याद रखिएगा हम आकलन इसलिए करते हैं जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो लर्निंग के उद्देश्य हैं कि भाई आप जब लेसन प्लान भी बनाते हैं तो कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य होते हैं कि भाई इस चैप्टर को पढ़ के बच्चा यह सीखेगा जनरल ऑब्जेक्टिव क्या अच्छा इंग्लिश से उसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी लैंग्वेज अच्छी होगी फलाना अच्छा होगा अच्छा होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये किस सीमा तक किस हद तक अचीव हो पाए इससे इसका पता आकलन लगाता है तो ऑब्जेक्टिव्स के अचीव होने की जो बात है वो आकलन के द्वारा संभव होती है या इवेल्यूशन के द्वारा संभव होती है क्लियर है बात अब अगर हम बात कर रहे हैं तो आकलन के कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि पोर्टफोलियो पेपर में पूछा ही जाता है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट बोलते हैं अगर आपने सेशन लिया होगा सीसी -सी वाला टेक्निक्स इससे खराब में नहीं लिख सकती थोड़ा साफ लिख देती हूँ टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट यानी तकनीकें हैं आकलन की टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट समझ जाइएगा इसमें बहुत सारे तरीके हैं सैकड़ों तरीके हैं और टेस्ट के भी दो टाइप है एक स्टैंडर्डाइजेशन एक टीचर मेड टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है मैंने किसी मैराथन में आपके साथ डिस्कस किया था दोबारा रिपीट अभी नहीं करूंगी वैलिडिटी होती है उसमें वैलिड होता है रिलायबिलिटी होती है ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है है ना जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा उसमें भी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है केबीएस जैसा जिसमें परसेंटेज मैटर करेगी या डी प्लस बी जैसा और दूसरा है सीआरटी सी टेट या टेट जैसा जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है चीजें तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के दोनों उदाहरण है स्टैंडर्डाइज टेस्ट की प्रॉब्लम क्या है ये

फटाफट से बताओ टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट चक्कर आ गए कई लोगों को ये सुनकर के हमारे आसपास कोई बात नहीं होता है फटाफट से बताइए बस आप सोने चले जाइएगा ये लास्ट टॉपिक है पोर्टफोलियो करके फिर आप सो सकते हैं फिर मेटाकॉग्निशन मेमोरी वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ प्ले ये मैं किसी किसी और दिन करा दूंगी है ना इंग्लिश hmm. नोट्स का भी एक डिस्कशन क्लास अरे करेंगे बिल्कुल करेंगे वो मैराथन सेशन होंगे आपके डोंट वरी गजब है। लिखो, लिखो, लिखो। मैं देखना चाह रही हूं कितने तो लोग सच में बढ़ रहे हैं।, हाँ। क्या पूछे हैं भूल गए क्या चेक लिस्ट रिकॉर्ड और इतने परसेंट क्वेश्चन मुश्किल आएंगे सॉरी इतने परसेंट क्वेश्चन आपके ईजी आएंगे मॉडरेट आएंगे तो वो उस स्टैंडर्ड पे सेट होता है उस स्टैंडर्ड को रियोब्रिक कहते हैं चेकलिस्ट हो गई एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गए और भी सैकड़ों तरीके हैं इंटरव्यू हो गया देखो लोगों को याद आने लगा है सोशियोमेट्री हो गई एग्जैक्टली exactly, और बताइए सरकार ऑब्जर्वेशन हो गया बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने आग लगा दी लिटरली नहीं मेटाफोरिकली चलिए बहुत बढ़िया हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को कुछ कुछ बातें याद हैं तो पोर्टफोलियो हो गया चेकलिस्ट हो गई रेटिंग स्केल नाम की एक चीज होती है जो किसी ने बताई नहीं ठीक रेटिंग स्केल हो गया और क्या हो गया एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए रिकॉर्ड्स हो गए इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन अवलोकन जिसको हम कह रहे हैं इसमें भी इंटरव्यू आपका पहले से प्लान हो सकता है मिक्सड हो सकता है ऑब्जर्वेशन कई बार ऐसी होती है जो स्ट्रक्चर्ड होता है बच्चे को पता हो कई बार उसको नहीं पता होता तब भी आप उसका आकलन कर रहे हैं कि वो कोई एक्टिविटी कर रहा है मान लीजिए पेंटिंग कर रहा है कोई ओरल टेस्ट दे रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता कैसी है यानी वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है कोई और एक्टिविटी और चीजें उसके अंदर की जो भी एप्टीट्यूड्स है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पोर्ट्स खेलते हुए यानी डेली बेसिस पे आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही है कॉन्टिन्यूसली आप असेस कर रहे हैं बच्चों को दूसरा कॉम्प्रीहेंसिवली हर एक पक्ष में जज करने के लिए नहीं फीडबैक के लिए इंप्रूवमेंट के लिए पोर्टफोलियो क्या है एक तरह की फाइल है है ना आपके काले चिट्ठे हैं आई I मीन mean, इसमें ज्यादातर अचीवमेंट्स शामिल होती हैं या कुछ जो भी विशेष है बच्चे के बारे में या जो भी उसने किया है वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा पोर्टफोलियो मान लीजिए किसी की शादी हुई होगी आसपास आपने देखा होगा तो एक एल्बम जिसको हम कहते हैं ना तो वैसा है ये कि अच्छे अच्छे फोटोज तो बहुत सारे थे वहां एक ड्यूरिंग द प्रोसेस ये स्टेजेस में या चरण जितने भी स्टेप्स हैं अलग अलग लर्निंग के उस उसपे जो भी खास चीजें हो रही हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है ये आपका पिक्चर की फॉर्म में वीडियो की फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में ये हो सकते हैं तो अलग अलग जो चरण हैं अधिगम के उनको रिकॉर्ड किया जाता है पोर्टफोलियो के द्वारा तो वो जो एल्बम है उसमें बहुत सारे फोटो क्लिक हुए होंगे उनमें से कुछ सौ दो सौ सौ फोटोज उस एल्बम में होंगे या वीडियो बहुत सारी फुटेज बनी होगी यानी बच्चा एक्टिविटी तो बहुत सारी करता सारी है सारी एक्टिविटीज नहीं बट जो जरूरी है या अलग अलग चरणों को दर्शाती हैं ओवरऑल प्रोसेस को बताती हैं बच्चे की और जो भी उसके बारे में विशेष चीजें हैं किस चीज में वो अच्छा है क्या है वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में होती है और जैसे लोग मॉडलिंग के लिए जाते हैं तो अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाते खे, हैं तो उस तरह से अचीवमेंट को यहाँ शामिल किया जाता है ठीक क्लियर है बात कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है नहीं है चेकलिस्ट क्या है चेकलिस्ट है कि मान लीजिए अच्छा बच्चे के बिहेवियर या सोशल लर्निंग में वो कैसा है तो अच्छा ठीक जवाब दिया चलो इसमें चेक लगा देते हैं नहीं इस चीज में अच्छा है तो क्रॉस या फिर मतलब जो जो चीजें उसमें हैं जो जो विशेषताएं हैं जिस भी एस्पेक्ट में आप उसको चेक कर रहे हैं उसमें या तो टिक करेंगे या तो ब्लैंक छोड़ेंगे या क्रॉस लगाएंगे अगर हम बात करें रेटिंग स्केल की तो ऑन स्केल ऑफ वन टू तो टेन बच्चा बोलने में कैसा है बच्चा दूसरों के साथ बिहेवियर में कैसा है तो आप इस पे फाइव पॉइंट फाइव रेट कर रहे हैं पिज्जा भी मंगाते हैं तो वो रेटिंग स्केल मांगता है ना आजकल तो स्विगी जोमैटो और सारे ही जितने भी जगह हैं फीडबैक देते हैं तो रेटिंग स्केल पे आप ऑन स्केल ऑफ वन टू तो टेन कितना रेट करेंगे किसी बिहेवियर को एक चीज होती है सोशियोमेट्री कि बाकी बच्चे बच्चों को कितना पसंद करते हैं या उनके साथ व्यवहार कैसा है समाज मिति विधि कहते हैं इसको जब हम मॉनिटर्स चूज कराते थे तो कहते थे कितने लोग वोट करेंगे इसको तो जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो सोशियोमेट्री विधि का उदाहरण है कि बाकी बच्चों के साथ रिलेशन बच्चे के कैसे ठीक है और अगर हम बात करते हैं किसकी रेटिंग स्किल की एनेड्स होते हैं शॉर्ट में कम शब्दों में कुछ लाइन में कोई घटना हुई बच्चे ने दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया मतलब जो नहीं फोड़ना चाहिए कुछ और हो गया इस तरह का कोई विशेष घटना हुई किस दिन कोई बात हुई तो वो इंसिडेंट्स होते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में इंटरव्यू में तो आप बच्चे से डायरेक्ट क्यू एन ए कर ही सकते हैं विश्वकर्मा प्रसाद कह रहे हैं नमस्ते मैम बिहार आरा से हूं मैम फॉर लर्निंग में सेल्फ असेसमेंट हो सकता है क्या जब ऑप्शन में फॉर लर्निंग और एज लर्निंग दोनों हो थैंक्स तो फॉर लर्निंग लर्निंग में एज यार इसका पार्ट एक्जैक्टली exactly नहीं कहेंगे बट अगर ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप फॉर लर्निंग लगा सकते हैं क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग हो रहा है ये ना ये अपने आप में अलग टाइप है अगर वैसे आप देखेंगे तो बट हाँ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ही होता है एज लर्निंग भी तो जरूरत पड़े मजबूरी आ जाए तो वैसा भी आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया आप आ रहा है आपका कोई डाउट हो किसी भी बात को लेके क्योंकि जितना भी जरूरी बातें हो सकती हैं अदरवाइज तो ये साल भर कोर्सेज चलते हैं हम लोग कितने लंबे लंबे करते हैं तब जाके इस बात का निष्कर्ष निकल पाता है बट कोशिश की है कि जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं डिटेल में जाकर के इन मैराथॉन्स के थ्रू आप तक पहुंच पाए सीडीपी या पेडोगलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा अब आपका कंप्लीट होता है ये वाला सेशन ही आपको लगभग हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा फिर हम लैंग्वेज का या बाकी मैराथन करेंगे एक बार डेट अनाउंस हो जाए फिर करेंगे इस बीच परसों आपकी ऑफलाइन क्लास है कल हम या तो प्याजे वाइगोस के क्वेश्चन करेंगे या फिर हो सकता है कि हम मेटाकॉग्निशन मेमोरी और टाइप्स ऑफ प्ले पे कुछ डिस्कशन करते हैं बट बहुत दिन से डिस्कशन हो रहा है तो क्वेश्चन करेंगे कल वो भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस किए बिना नहीं जा सकते पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें या आप पढ़ सकते हैं ये नोट्स फ्री है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों को यानी वो अलग अलग एरियाज में श्रेणीबद्ध तरीके से एक क्लास से दूसरी क्लास में भी ट्रांसफर हो जाती है एकत्रित रखा जाता है क्या उपलब्धियां हैं क्या कमियां हैं सभी चीजों को इसमें हम संजो के रखते हैं स्पेशली विशेषताओं को ठीक है चलिए ध्यान रखिए अपना कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछिए पहले मैं देख लेती हूँ आप लोगों के अब कमेंट्स आज के लिए इतना ही रखेंगे जो भी हमने पढ़ा है इसमें उन चीजों को अगर आप दो बार रिवाइज भी कर ले नोट्स ही पढ़ लें जो आपको दिए हैं इनफ हो जाएगा एक इन लर्निंग होता है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बुक्स के बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ के बता दिए जाते हैं स्तुति कह रहे हैं मत पढ़ाओ बातें कर लो अच्छा ठीक है

पोला थी, मजे में लेटी हुई है ऐसे रजाई वजाई ओढ़ के इतनी गर्मी लग रही है मुझे ये मैं उतार नहीं पा रही हूँ कि चेन फंस गई है अदरवाइज मैडम तो भाई साहब इतनी मोटी जैकेट पहन के और ये तो है भी नहीं मोटी और प्रॉपर ब्लैंकेट ब्लैंकेट ओढ़ के खाना पीने का सामान लेके अब देखो यहाँ मुशायरा चलेगा और हिमांशी दो तीन घंटे तो चलेगा ही मुशायरा लेट जाए अपना और चैटिंग वैटिंग कर लें जिसको मन करे उसको रिप्लाई कर लें और फिर कहते हैं मम्मी से बात कर रही है तो होता है क्या कर सकते हैं सबका अपना अपना क्या कहते हैं उसको बड़े लोग नसीब है कुछ लोगों की मौज है, है? कुछ लोगों की ज्यादा मौज है जैसे कि हम चलिए खैर रैसी प्रोकल टीचिंग होता है टीचर बच्चे से सीख रहा है, हो रही है हो रहा है परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वाइगॉस की इसकी बात कर रहे हैं जी बताइए कुछ कहना चाहती है मिलना चाहती है सबसे नहीं नहीं, नहीं। वो नहा धो के नहीं आई है कल मिलेंगी अब आइए आपको ऑफलाइन क्लास मिलेंगी अब ठीक है टेलीग्राम पर नोट्स नहीं है अरे कैसे नहीं है रूपा कौन से टेलीग्राम पे जुड़ गए हो फेक टेलीग्राम पे जुड़ गए हो क्या है टेलीग्राम लेट्स सात साढ़े सात लाख लोग हैं किसी भी फेक चैनल से जुड़ेंगे तो वो तो पैसा भी मांग लेंगे नोट्स भी नहीं देंगे और देंगे तो पूरा नहीं देंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल ये है लेट्स लर्न साढ़े सात लाख के आसपास लोग हम लोग जुड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी आपको मैंने एक लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके पहुंच जाओ डायरेक्ट और वहां से डाउनलोड कर लो वहां डीबी के नोट्स है हिंदी के नोट है नोट्स नोट पुराने इंग्लिश मीडियम के ईवीएस के भी नोट्स हैं बट ईवीएस के फ्रेश नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे और मैथ्स पेडोगॉजी के भी चलिए आपको दिए थे प्रूफ रीड करने के लिए क्या हुआ उनका मैथ्स पेडोगोलॉजी के प्रूफ रीड करने के लिए क्या सोती रहती हो धीरे बोलो धीरे हमको सबको नहीं सुनना है हाँ बताओ बताओ कानून से आवाज निकल गई हमारे हाँ बताओ बताओ कोई बात नहीं होता है ये कमेंट पढ़ के कहीं और ही चली गई हैं चलिए ध्यान रखिए अपना कल मिलेंगे नौ बजे कल यार मैं थोड़ी सी बिजी हूं हो सकता है कल छुट्टी हो जाए और हो सकता है कि हम क्लास आपकी रख लें संडे को कोशिश रहेगी कि जो ऑफलाइन क्लास है उसको लाइव भी चलवा दे बट उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है लोग आते जाते रहते हैं बातें होती है क्यों नहीं होता है दुनिया भर की चीजें होती हैं तो खैर चलिए टेक केयर बाय बाय धन्यवाद आप सभी का कोई बात हो आप अपने जो भी विचार हैं फीडबैक है जो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं परसों मिलते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर और जो लोग केवीएस बैच में एनरोल करेंगे एक शुक है वो बिल्कुल कर सकते हैं जिनको अभी डेमो क्लास देख के करना है वो तब भी कर सकते हैं इसके अलावा और क्या कहें आपसे सिर्फ स्पेशल भी सिर्फ केवीएस के लिए निकला हुआ है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप एक शुक हैं चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गुड नाइट